ओ, दो बंदे होने डैंग। अरे सीपीयू 66% कैसे है ब्रो? अनीश कैसे ब्रो? वेरी वॉर्म वेलकम। हाय कुणाल। नवनीक उफ। अनुराग कैसे मेरे भाई? अहमद यार वेलकम वेलकम। एकदम बढ़िया यार। आप लोग बताओ। जस्ट गेम ब्रदर्स। इतना अंधेरा क्यों है? भी सही है, काफी अंधेरा हो रखा था। पंक्चुअलिटी देखी हमारी? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे अभी तक सुन नहीं आया मैकलेरन इतनी आवाज क्यों करती है। एंड नाउ इज लाइक तुम बैठ के दिखाओ जो पॉसिबल नहीं है। इज लाइक देखो मेरी मैकलेरन सफेदी की चमक। ओ, इसने तो अंदर का कलर भी चेंज कर रखा है। ओ भाई साहब, बाकी कुछ चेंज हुआ ना हो बट इसने ये चेंज कर, इसको कुछ कैलिबर कुछ बोलते हैं, बता मेरे को याद नहीं क्या बोलते हैं। कुछ होता है, ब्रेक्स होते हैं मोस्टली। तो ओवरले क्या है? ओवरले कुछ नहीं है, बस ये लिखा है कि पीपल हु सपोर्ट द स्ट्रीम उनके नाम आएंगे। नीचे जो तनीम वॉरियर है ही इज द लेटेस्ट मेंबर ऑफ द चैनल एंड मेंबर्स टुडे, लाइक कितने मेंबर्स आए एंड दैट इज इट। तो कॉम्प्लिकेटेड मैंने रखा नहीं, बहुत सिंपल सा रखा है। ओहो एल्कन, अंकित आनंद भाई, ये तो नया नाम है भाई। i5 12th gen विद 3060 Ti पर चल जाएगा क्या पबजी? दौड़ेगा दोस्त। अंकित, यू विल बी इन द टॉप 10% ऑफ द गेमिंग कम्युनिटी हु विल हैव एन i5 12th gen, प्रोबेबली ये 12600 की आई गेस, दैट टू विद 3060 Ti। मैं तो तेरे को एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा हूँ ब्रो। चलेगी यार, बिंदास चलेगी, कोई टेंशन नहीं है, एकदम मक्खन चलेगी। बस मेक श्योर जब आप रैम लोगे ना तो आपके पास तीन चांस है रैम बेटर करने के। पहला, आप DDR4 या 5 लोगे 3200 MHz 8x2 मतलब 16 GB, या शायद DDR4 ले रहे हो तो 3600 MHz 8x2, या फिर आप 4400 MHz भी ले सकते हो 8x2, डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या बजट है। ऐसा तो वो देख लेना। और अगर आप DDR5 ले रहे हो तो आपका क्या कहना। बाय द वे, एक अंकित, आई एम नॉट 100% श्योर बिकॉज मेरे को बारीकी से मेरे ने चेक नहीं करा है, बट देर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी इफ यू इन्वेस्ट इन अ वेरी गुड मदरबोर्ड देन यू माइट बी एबल टू अपग्रेड फ्रॉम 12600K टू 3900K इन द सेम मदरबोर्ड। तो इसको एक बार ऑनलाइन चेक कर लियो, ठीक है? मेरे को मदरबोर्ड का मॉडल नंबर याद नहीं आ रहा, वरना मैं तेरे को बता देता। और कल अगर मुझसे तू सेम चीज़ पूछेगा तो मैं सब बता भी दूँ। तो वो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है बट तुझे वो कैलकुलेट करना होगा कि इन फ्यूचर इन नेक्स्ट 3-4 ईयर्स मे बी यू वॉन्ट अपग्रेड द CPU टू एन i9 वो आफ्टर सेविंग मनी। तो वो अपना देख लियो, बिकॉज अगर तेरा है कि नहीं मैं अपग्रेड नहीं करूँगा तो फिर कोई टेंशन नहीं। ये बंदे आए थे क्या? मैं तो बात कर रहा था अंकित से। आई पुट DDR4 16 GB टोटल। हाँ तो बट 8x2 डालियो, 16 वाली सिंगल। हाँ 3600 इज स्वीट स्पॉट, लाइक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स कह सकता है। 3200 से बेटर और 4400 MHz के करीब करीब फ़ायदा ही मिलता है ना। 3600 में टाइमिंग कम हो जाती है जो इंटेल में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर है तो अच्छी बात है, मतलब कोई बुरी बात नहीं है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। और
और बताओ दोस्त। ओ कंपनसेटर पड़ा है क्या दोस्त? ओ आवाज़ कम आ रही थी, इसलिए कम आ रही थी। कौन सा वाला का ये होगा? ओ सेल्फेड मिल गई यार। वर्टिकल तो अच्छी कर दी यार उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। i5 4th gen RX 580 8 GB 12 GB RAM के रन पबजी स्ट्रीम चेक करना पड़ेगा किंग। वैसे कौन सा वाला i5 4th gen है? मेरे पास i7 4th gen 4770K है मेरे स्ट्रीमिंग पीसी में, तो मेरा एक लगाव है 4th gen से भाई। वैसे बताओ एक बात किंग, अभी तक ख़राब नहीं हुआ मेरा i7 4770K। मदरबोर्ड ने ज़रूर दम तोड़ा दो तीन बार, बट फिर भी इंटेल प्रोसेसर ओपी वो। पता नहीं यार, चेक कर लेना देख किंग। अब तो गेम फ्री है, डाउनलोड करना इंस्टॉल करना और चला देना। जब पीसी है ही तो क्या शर्माना, रैम भी 8 GB ऊपर ही है आपकी। यार कोई दिख तो नहीं रहा, आ जाओ पुश करते हैं इनको। फर्स्ट एड वगैरह भी? ओ एमओ नहीं है मेरे 5.5। आर्यन कैसा है ब्रो? वेलकम वेलकम। ओ 4x 5.5 तो यहाँ कोई होगी नहीं। क्या नाम है इसका? फेथ 58। इसको ही पुश करते हैं। हेलो फेथ 58, ये अप ये इधर है अपार्टमेंट्स में है येलो पे एज पर द साउंड। और अभी ये 5 सेकंड लूटेगा यार, मुझे लगा ब्लू जोन ग्रेनेड था। चलो जो चाहिए था मिल गया, 5.5 भी मिल गई। अरे चल पर कोई दौड़े दौड़े तो आ नहीं रहा अभी तक। ओ अंधेरा हो रखा है आज, इवनिंग वेदर लगा है क्या? कुछ सब साउंड नहीं है। ब्लू चिप होती ना तो काम आसान हो जाता है। यहीं कहीं मरा है वो एम्पीनेंट पड़ी है बट एमो नहीं यार। इतनी एम्पीनेंट डालोगे ना तो फिर लोग ललचाएंगे मन। यार ये बंदा यहीं कहीं होगा बट साउंड नहीं दे रहा। चलो भाई नहीं दे रहा तो नहीं दे रहा। सर्कल दूर है क्या? सर्कल भी यही कैंप कर रहा होगा मेरे सिर के ऊपर। पेड़ चल के देखता हूँ, बालकनी में तो है नहीं है। गया कहाँ? चलो पता नहीं, फाइट हुई थी तभी आ जाना चाहिए था, थोड़ा दूर था मैं। ब्लैक फ्राइडे सेल देखा? हाँ मैंने देखा, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, मैं बस पिन नहीं कर पाया फॉर सम रीज़न। अभी जैसे मैं बीच में पबजी रिपोर्ट देखूँगा तो मैं पिन कर दूंगा चैट में। और आप चाहो तो आप वो लिंक डाल सकते हैं, मैं पिन कर दूंगा, विल मेक इट इजी फॉर मी। मैं तो वो देख रहा था 4090 वाटर फोर्स एक्सट्रीम, आई एम लाइक उफ ये तो 2 किडनी से भी ज़्यादा है। इंतक वाइटी, ओ भाई फेथ 58 मर गया। अच्छा ये यहीं था अपार्टमेंट्स में। यार इसको जिसने मारा है उसका ग्रोसा कहाँ से आ गई ब्रो? अच्छा इसने सीक्रेट रूम खोला होगा, देखते देखते हैं। M24 मिस यार मैंने उठाई नहीं, आई वॉज मोर फोकस्ड ऑन दैट गाय। और अब मैं नाम भूल गया उसका, क्या नाम था? ग्रोसा वाली किल कहाँ गई? ये रहा विजन हिंस कुछ कर गया, देखते हैं यार ही कहाँ है। ऊपर सेंडर है। अगर
वो शूट नहीं कर रहा है, इसमें लोग पुश कर रहा है। वो पिक करना चाहिए था पता है। कहाँ गया? ओ दिख गया। मेरा बहुत गलत एंगल पीक है, मेरी बॉडी ज़्यादा दिखेगी। For some reason is not peaking. Seems like he's making some sort of rotation. भाई इस भूल भुलैया में तो कहाँ ही मिलेगा वो, और वो जितना स्मार्ट है मुझे नहीं लगता ही विल पीक ओपन। अभी तो थोड़ा उसको ऐसा घूमना चाहिए था, वो तो बिल्कुल भी नहीं घूम रहा यार, ये पॉइंट ही नहीं है ये बंदा। इसे वेस्ट है, लेवल 2 ही हो गई भाई, इसमें तो ढूंढना ही मुश्किल है। अगर मैं ज़्यादा देर एक जगह रुका ना तो लेफ्ट राइट से हैव विजन। दिख नहीं रहा लड़का, अभी तक उसको कहीं तो आ जाना चाहिए था, बट ही इज ऑल्सो प्लेइंग वेरी सेफ। कोई ना सुल्तान, वेलकम वेलकम सचिन, ही इज द लेटेस्ट मेंबर ऑफ द चैनल। ऐसा एनीवन हु बिकम्स अ मेंबर द नेम विल पॉप अबव माय हेल्थ बार। ऐसा Oh, he took the vehicle. Let's see if he comes down. वो तो हुआ है। He won't come back. Actually, he'll go for the bridge. Oh shit bro, he died by his own car, he was so bloody low, he died dude, he's the same guy who we were tracing or looking for. भाई मेरे को इतना बुरा लग रहा है ना इसके लिए, बेचारा गाड़ी से मरा यार ये, इसकी ग्रोजा मिल जाएगी अब यार। ऐसा तो नहीं मरना चाहिए था इसको, इतना लो हो गया था इसने ना अपनी गाड़ी कहीं ठोक दी, और उस ठोकने की वजह से इसकी जो सोल थी वो विंडशील्ड से निकलते हुए गई सीधा लॉबी में। एफ हो गया इसके साथ तो। मूवीज इन अ कॉर्नर, कैसा है ब्रो, वेलकम वेलकम, कितने टाइम बाद आ रहे हो दोस्त। एक्चुअली अभी जानी शुरू होंगी ना नोटिफिकेशन शायद, इसलिए लेवल 3 फ्रेश फ्रेश मिल गई, ग्रोसा मिल गई। एटेक्स मेरे को चाहिए नहीं है, एटेक्स इज नॉट फॉर मी, आई नीड टू फिक्स माय सेंसिटिविटी फॉर एटेक्स। अबे दो हुई ना, अच्छा इसको ये तो खुद मरा ना अपने आप, इसलिए मैं बाइक नहीं लेता। माय फ्रेंड अभी भी गुड लक फॉर द नेक्स्ट गेम। ओ एटेक्स के ये मिल गया, एक मेडकिट आ जाती बस, स्मोक नेड है हाँ, एक नेड काफ़ी है। आई वॉन्टेड अ फ्लैश बट है ही नहीं।
रेड जोन आ गया, लेट्स गो फॉर द सर्कल। गाइस 45 पीपल वॉचिंग, फटाफट लाइक कर दो प्लीज। प्लेन भी आ रहा है, अब पता नहीं एयर ड्रॉप आएगा या नहीं आएगा। वो यार हमने टीपीपी भी ट्राई नहीं करा है वैसे, नया मॉनिटर लेने के बाद। ड्रॉप हुआ तो है बट कहाँ ड्रॉप हुआ है देखना पड़ेगा, क्योंकि ड्रॉप के आसपास फाइट जरूर होगी। मिल गया ड्रॉप, साउथ 195 पे ड्रॉप है मोस्ट प्रॉब्ली, या तो इसमें ऑम होगी या MK14। ओहो गाड़ी पलटा रखी है, बंदा हो गया यहाँ पे। मेरे हिसाब से मैंने अभी जस्ट एक गाड़ी देखी जाते हैं। एक बंदा ये आ गया, गया मैं गया मैं गया मैं गया, मैं गया, मैं गया। P90 नीचे चल। वो मेरे पत्थर पे है, उस पत्थर पे मैं रुका था। डैमेज तो हुआ है इसको। शिट एक और गाड़ी आ गई। मार दिया क्या इसने? नहीं, इसने P90 ले रखी है बट ही इज फाइटिंग विद हिम। Oh, one of them is dead. Oh, he's bloody knocked. Oh no. Oh no. Bye, yaar, third party ho gaya main. Yaar, agar wo piche wala na aata na, tab pyara shot mara tha. बट यही है यार, ये उसने उसको मारा, मैंने इसको नॉक किया, ये फ्री में रिवाइव हो गया क्योंकि पीछे से प्रेशर आ गया। यार मेरे को देखना है इसको कैसा हेडशॉट, लेवल 3 पीक एंड बूम बेबी। भाई पीछे वाले ने इसकी किस्मत बचाई यार, यार वो पीछे वाला ना तभी पीक किया यार कोई 90। ये थोड़े ड्रॉप वाले बड़े कैलकुलेटेड नहीं होते, क्योंकि हर जगह से आप ओपन हो सकते हो, जहाँ जिस पत्थर से भी मैं आया ना उसके पीछे भी कोई बंदा हो सकता था, बट चल कोई ना, सही है। 57 वॉचिंग, फटाफट लाइक कर दो प्लीज जल्दी जल्दी। विनय कैसा है ब्रो, वेलकम वेलकम। एक किल थी बट 300 डैमेज, कोई ना। कौन खेल रहा है? अभी भी खेल रहा है, एक पूरे दिन खेलता है लड़का, सही है। हाउ डू यू ड्रॉप स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सप्लाईज, हाउ डू यू ड्रॉप स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सप्लाईज। अच्छा मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट पूछ रहा है यार, इन्वेंट्री मैनेजमेंट देख 130 तक एमओ रखता हूँ, अगर सेम वेपन्स हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली, अलग भी है तो भी 130 एमओ होनी चाहिए। और नेड्स एक इम्पॉर्टेंट है, 2 स्मोक, 3 फ्लैश या 2 फ्लैश तो मिनिमम, ऐसा ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट रहना चाहिए। और फर्स्ट एड में 2 फर्स्ट एड, 5 बैंडेड बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राइविंग करते हुए बैंडेड आपकी लाइफ बचाती है। और पेन किलर्स की जगह मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर पेन किलर्स ना लूँ तो बेहतर है, क्योंकि वो 3 सेकेंड वाले बूस्टर बहुत सही है, क्योंकि पबजी में यू नेवर नो वेयर यू गोना गेट शॉट फ्रॉम, अनलेस यू आर प्लेइंग हाउस टू हाउस विच पीपल डोंट, तो ओपन में वो 3 सेकेंड आपकी लाइफ बचा लेती है इंस्टेड ऑफ वो 5 सेकेंड का चक्का घूमता है बूस्ट करने का, तो वो ऐसा।
और पेन किलर्स थोड़े भारी होते हैं, एनर्जी ड्रिंक में जो दूसरा होता है रेडबुल टाइप वो थोड़ा जल्दी 3 सेकंड में लग जाता है। कंट्रोल प्रेस करो ड्रॉप हो जाएगा। है अच्छा ड्रॉप कैसे करते, यही पूछा था मुझे, लगा इन्वेंटरी मैन पूछ रहा। हाँ बस कंट्रोल करके ड्रॉप कर दो। बीजू मैन बैन, बीजू मैन बैन, अरे मैंने तो कुछ डाली नहीं बीजू मैन में। देख बीजे में जो अनबैन है ना वो होगा, और वो 100% होगा, चाहे इस साल हो चाहे वो नेक्स्ट साल हो, बट होगा ज़रूर, तो उसका इतना टेंशन मत लो। मैंने आपकी सेंसिटिविटी वाली वीडियो देखी हो, और सेंसिटिविटी कॉपी कर ली, कैसी रही सेंसिटिविटी मेरी, कैसी लगी, कुछ बेटर हुआ? वैसे सेंसिटिविटी पर्सन टू पर्सन होती है, और डीपीआई टू डीपीआई, जैसे मेरी डीपी अलग होगी आपकी डीपी अलग होगी ऐसा। नो लाइक हाउ डू यू ड्रॉप 20-30 MO इंस्टेड ऑफ ड्रॉपिंग होल बैच, वही कंट्रोल दबा के CTRL कंट्रोल प्रेस करके रखो एंड देन ड्रॉप इट। शानू वेलकम वेलकम ब्रदर, कैसा है, बहुत दिन बाद देखा शानू आपको, कहाँ बिजी रहते हो, कहाँ मशरूफ रहते हो। ये नोटिफाई में ऑप्शन का क्या फ़ायदा होता है, नोटिफिकेशन तो आता नहीं स्ट्रीम शेड्यूल में। यार नीतीश इसको सॉल्व करने के लिए ना मैंने 3 चीज़ करी हैं, एक तो आई स्ट्रीम एट द एग्जैक्ट सेम टाइम एवरी डे, दैट इज़ वन लाइक, और सेकेंड चीज़ ये कि आई शेड्यूल द स्ट्रीम हाफ एन आवर बिफोर द स्ट्रीम, जिससे कि अगर जिसको नोटिफिकेशन भेजना चाहता है यूट्यूब वो भेज दे, शेड्यूल पे भेजता है, फिर शेड्यूल जब स्टार्ट हो रही होती है तब भेजता है, फिर उसके 30 मिनट बाद देखता है, तो मेरे पास 3 नोटिफिकेशन का विंडो रहता है, तो बस यही सीन है। और बाकी तो यही है कि 1 महीने तक अगर आप रेगुलर हो तो उसके बाद फिर नोटिफिकेशन का इशू नहीं रहता है। चौथा ये है कि व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं शेयर करता हूँ। आदत लग गई अब ठीक। ये वाला मरा है, ठीक क्यों नहीं हो रही यार, पीक नहीं करेगा ये, मैं लूट लेता इतना, अब करेगा। ग्राउंड है क्या? हाँ ग्राउंड है। अरे यार हीलिंग नहीं है, एंटी उससे बस हीलिंग तो होनी चाहिए यार, मेरा हेलमेट तो उड़ा ही दिया। ओह मेड किट मिल गई भाई। इथियन गेमिंग क्या हो गया, RTX 3060 है बट कर बाय करना है ब्लैक फ्राइडे से, आपका वाले लिंक से बाय कैसे करें, मेरे वाले लिंक से बाय कैसे करें यार ये तो मुझे भी नहीं पता, बट गैस जिसको भी ब्लैक फ्राइडे चेक करना है मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो आप प्लीज़ चेक कर लेना यार, वो मेरे को मैसेज कर दे मैं तेरा हेल्प कर दूंगा पोस्ट स्ट्रीम। लाइक आई कैन कनेक्ट यू विद ऑरिस एंड देन यू कैन टेक इट फॉरवर्ड। और हेलमेट ढूंढ रहा था ना, एक बंदा मेरे लेफ्ट में है, आ
आज भी टूर्नामेंट खेलोगे? हाँ आज तो मैंने अलार्म भी लगाया, दो अलार्म लगाए एक्चुअली, एक कंफर्मेशन 15-10 मिनट पहले करने का, और उसके बाद एक और अलार्म लगाया जब ज्वाइन करना होगा लॉबी। तो टेंशन मत लो, खेलेंगे आज, दो टूर्नामेंट है। जैसे तुम्हें अलार्म सुनाई देना समझ जाना कंफर्मेशन करना है। अब इसको पुश करते हैं, फर्स्ट एड भी आ गई। अब तो पॉजल कृष्णा हिरेन वेलकम वेलकम, कैसा है पुष्कर? देखो यहाँ एक बंदा था, अब चक्कर ये इसको पुश करने के लिए ना हमें क्रॉस जाना पड़ेगा, और क्रॉस चलते हैं। आइडली तो इसको अभी तक पिक कर देना चाहिए था, कुछ तो रीजन होगा ये पिक नहीं कर रहा। वो आ गया, दिख नहीं रहा, ऊपर से देखना पड़ेगा। ही इज एक्चुअली पुशिंग अस। अरे यार हल्का सा मिस हुआ, वरना हेडशॉट ही था। देख लिया उसने, अच्छा बंदा है। ओ नो, नहीं मैंने भी मारा, मैंने यार मैंने भी तो पहले मारा, मेरे को खून दिखा था यार। साला इसका पिंग या तो बहुत ही लो होगा यार, इसका बहुत ही पिंग लो होगा, वरना मेरे खून दिखा था 16 लेवल। इसके चक्कर में एक और बंदा K9 से गया था। अबे यार इसको लगी थी क्या गोली? मैंने एक्चुअली डबल पिक कर दिया ना यार, इसको रजिस्टर नहीं हुई। एक्चुअली जेन्युइनली बोलूँ तो इसने पहले मारा, बट वो मुझे रिसीव लेट हुआ इसलिए मेरा शॉट मुझे दिखा कि इसको लगा, और मैंने गलती ये करी, मैंने ट्रिपल पीक दिया। पहले मैंने उसे मारा, इसको पता लग गया मैं वहाँ हूँ, फिर मैंने इसको दो बार पीक दिया जिगल जिगल में, तो इसलिए इसको एडवांटेज मिल गई, वरना मेरा शॉट पहले लगता अगर मैं पहले खींचता ट्रिगर तो। ऑफकोर्स तो कोई नहीं कोई नहीं, एंटी हो गया थोड़ा सा, बट मज़ा आया यार, अच्छा बंदा था। शोल्डर पे लगा? नहीं लगा ही नहीं शानू, लगा ही नहीं, क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग आई डाइड बिफोर आई इवन शॉट द बुलेट, बट क्योंकि मैं थोड़ा हाई पिंग है तो मेरा शॉट मेरे को दिखा लगते हुए, बट इन हार्श रियलिटी ही शॉट मी एंड ही आउट प्लेड मी। बट कोई बात नहीं, थोड़ा और बेटर कर सकते थे, बट इट वॉज फन। बट वो वाले को तो भाई मस्त मारा, शोल्डर पे लगी थी पता नहीं, जब मैंने उसका डेथ कैम देखा तो उसकी एचपी कम नहीं हुई। अब पता नहीं आपने कितना ध्यान से देखा। लाइक नंबर 41, अरे राजेश थैंक यू थैंक यू, कितने हो गए? 42 गाइस, 52 पीपल वाचिंग, 42 लाइक्स, जल्दी जल्दी लाइक कर दो। बीच में बैन रीजन यार, कुछ तो गवर्नमेंट को इशू आ रहा था रिगार्डिंग द डेटा, इसलिए बैन हुआ था, बट AP आई थिंक नेक्स्ट ईयर तक अनबैन हो जाएगा, जो मतलब हर 3 महीने में न्यूज़ आती है कि अब अगले 3 महीने में बैन हो रहा है, बट मोस्ट प्रॉब्ली जितना मेरा मतलब मेरे को लगता है माय पर्सनल व्यू, अनबैन तो होगा ही होगा, इट्स जस्ट दैट कब होगा वो कह नहीं सकते, तो ऐसा सीन है। बट अगर अनबैन होगा ना इस बार, तो मुझे ऐसा लगता है फिर सब कुछ वापस आएगा, जैसे TikTok हो गया, फिर वो हो गया क्या नाम है, फ्री फायर हो गया, और PUBG मोबाइल ओरिजिनल वाला हो गया, फिर तो सब अनबैन होना चाहिए, क्योंकि सब सेम ही दायरे में था शायद, बाकी पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं। आपकी PUBG रिपोर्ट में कंटेंट तो बहुत मिलता होगा, डिपेंड करता है रचित, इट डिपेंड्स, इफ़ आई एम प्लेइंग यूरोप सर्वर विच इज़ वी आर प्लेइंग यूरोप राइट नाउ, बिकॉज अभी NA में ट्रैफिक नहीं होता इस समय,
तो लोगों को जरूर मिलता होगा क्योंकि आई एम किलिंग देम, बट मेरे को तभी मिलेगा जब स्ट्रीमर्स विल प्ले ईयू, ऐसा दैट्स हाउ इट बेसिकली वर्क्स. सब्सक्राइबर गेम्स हम संडे को करेंगे विद कस्टम्स ब्रो, ऐसा. आज नो यूट्यूब ने नोटी से नोटी आ गया फाइनली. हाँ वो धीरे धीरे आएगा ब्रो, जितना स्ट्रीक लंबी होती है ना स्ट्रीमिंग की या अपलोड्स की, उतना नोटिफिकेशन बेटर होता चल जाता है. आज हॉलीडे में फुल पबजी भी. अरे सही है, अमेजिंग. आपका स्ट्रीम देख के अलग ही सुकून मिलता है, पहले इसे देखते थे. ऑल दो कोई ना आर्यन, आई एम हैप्पी यू आर इन्जॉइंग दिस स्ट्रीम. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई कैन प्राउडली से आई हैव समवन फ्रॉम नेपाल हु इज वॉचिंग दिस स्ट्रीम. गोल्ड शिवा आज फंबल नहीं हुआ फ्रेंड्स, मैं 50. नाइस नाइस नाइस. परफेक्ट. निखिल वेलकम वेलकम. नयन कैसा है ब्रो? ड्यूक इज ड्यूक, आर यू द ओल्ड वन और आर यू न्यू ऑन द चैनल? बिकॉज अ गाय विद द नेम ड्यूक वॉज मिसिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही वॉज लॉस्ट इन द मेट्रिक्स. हाँ दैट्स इट, स्टे विद द विंडोज 10 फॉर नाउ. ओ गौरंग भी आया आज तो, डैम डूड गौरंग, लॉट्स ऑफ लव मेरे भाई, अप्रिशिएटेड. मिस्टर शेफ गौरंग माथो, कैसे हैं आप जनाबे आली? गौरंग मैंने पोहा सीख लिया बहुत अच्छे से विद ऑल वेजिटेबल्स, मैंने बॉम्बिनो सीख ली. अभी आई एल मूव टू पिंडी छोले करी एंड राजमा करी. आई एल कीप यू अपडेटेड व्हेन आई एल व्हेन एवर आई एल सी यू इन द चैट बेबी. अरे यार कुछ मिल क्यों नहीं रहा? और चढ़ो स्टार्टिंग में छतों पे. एक एक्स्ट्रा हेलमेट ऐसे मार्क करके रख देता हूँ, बाद में टूटा तो. हेलमेट वैसे है अपने पास, शॉट गन और ये भी मिल गया. ओहो ये तो टफ कॉल हो गया. बालकनी से कूदा सीधा लॉबी. अभी तो हमारा भी नहीं पता हम कितनी देर बचे हैं, बिकॉज देयर इज पीपल एवरी फ्रिकिंग वेयर. ओहो ये तो मेरे क्लोज ही है. क्या नाम है? बेंजो, बेंजियो 79. ये किने रिलोड क्यों नहीं हो रही? रिलोड हो गई क्या? वाईफाई ले लेते हैं यार. आई होप दिस. उफ उफ दोस्तों उफ. मन तो बहुत है उसे लूटने का, बट वी शुड प्रोसीड इन द बैटल रॉयल. क्लोज है बंदा इस वाले घर में, 9345 में 3 फुट स्टेप है. वाई फाई कॉमेंट हुई. फॉर सम रीजन इज नॉट पीकिंग एंड दिस हाउस इज द वर्स्ट हाउस पॉसिबल, स्पेशली दिस पर्टिकुलर रूम, बिकॉज वो रूम ना 3 जगह से ओपन है. ओ इज ऑन द ग्राउंड. ओ ही इज नो मोर.
यार ये ना हमेशा होता है पता है, आई हेट दिस थिंग, पता नहीं क्या कांटे चुभ जाते हैं। मर गया क्या? हाँ मर गया भाई। दो बंदे अतिथि और एक और बंदा, एक इस घर में है। ओ लो भाई कर लो बात। अगर तुम्हें मिला है सुकून इन द चैट। हाँ जी भाई शॉट तो लगा उसको। भाई ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट GGWP हो जाता अभी ऑलमोस्ट। जो वो हल्का सा स्प्रे मिस हुआ ना स्कारल का, बस उसी में GGWP हो जाता है। कितने हो गए? 5 हो गए। गाइस अगर आपको देखने में मज़ा आया पुचिंग के 5 खेल, क्योंकि लाइफ का तो कोई भरोसा नहीं है दोस्तों, तो लाइक दबा दो। 55 लाइक हो चुके हैं। अभी 3 बंदे और हैं, एक बंदा इधर होना। मेरा हेलमेट गया क्या? हाँ ओहो ये तो क्लोज है। ये इस वाले घर को मार रहा है, क्यों मार रहा है? बंदा कहाँ है? पीक स्मोक मारते सो ही विल पीक। यार मेरे को ना पीछे से फ्लैंक, ओ इसको तो लूटा ही नहीं मैंने, इसको भी तो मारा था, ओ इसको भी तो मारा था। लो भाई बेंजियो तो गया भाई, शॉटगन से पिला है वो। GGWP हो गया उसको तो। यार उसे शॉटगन वाले को ही पुश करना है थोड़ा सा। ओ पीछे भी बंदा आ गया, नाइस टेक्निकल, थैंक यू मिस्टर एआर टेक्निकल, अप्रिशिएटेड ब्रो। अभी स्टेयर्स भी करेगा मोस्ट प्रोबेबली तो। नीड विड है? नहीं। भाई उसे कानो कान कतर नहीं। क्राटिका क्राटिका 666 ओके। भाई उसे पता ही नहीं है गोलियां कहाँ से आ रही है, उसको पता नहीं होगा रूट प्ले। अब मेरे को इस प्लेयर का डर है जो शॉटगन पे इस घर के पीछे, और वो भी किससे गुत्थम गुत्था कर रहा है। मुझे क्या चाहिए? मुझे फर्स्ट एड चाहिए थी ना यार। मैं पीछे से फ्लैंक क्यों नहीं हो रहा अभी तक? एक पीछे वाला बंदा जिसने वो मारी थी ना स्मोक गन, वो आने वाला था, उसका क्या हुआ? इधर तो कोई दिख नहीं रहा। अब यहाँ से मूव करना पड़ेगा गाइस, रूफ से। बहुत देर हो गई रूफ पे। एक फर्स्ट एड, पहले फर्स्ट एड ले आता हूँ। ये तो यही रहेंगे। पुचिंग में सर्कल है? नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं किसी कैंपर से मरने वाला हूँ? स्मोक है? स्मोक नहीं है। हाँ मरा ही है। क्या नाम है इसका? रेडियो ऑन। इसका मतलब दो बंदे हैं पुचिंग की, ये अलग बंदा है। सॉर्टेड सॉर्टेड। चलो नीचे से क्या लेना है? स्मोक। स्मोक अभी भी नहीं है। स्मोक ले लो, नेट लगा लो, ये गिरा दो। चलो नेक्स्ट, लेट्स गो। लेफ्ट क्लियर है, ये क्लियर है। अब मुझे ये पुश करना पड़ेगा येलो। अगर मुझे इनसे फाइट करनी है तो बस शॉटगन वाले से बचाना, बाकी सब ठीक है। शॉटगन वाला अगर चौकड़ी मार के बैठा हुआ तो गए। ओहो एक और बंदा, 3 बंदे हैं इसका मतलब। ये तो कोई और ही बंदा है। इसको अभी पता नहीं लगा कि सर्कल नहीं है यार। अब मैं इसके मुंह पे अगर मैं जंप मारूंगा तो कांड सा हो जाए।
स्पीक पे कर नहीं रहा यार, ये रेड जोन की आवाज़ में ना फुटस्टेप दब जाएंगे मेरे। अब देख यहाँ से तो पीक आ नहीं रहा। हम तुम्हें मारेंगे, पीक नहीं आया और जरूर मारेंगे। अरे कोई तो अपने गांव में नया बंदा आया है दोस्त, कौन है वो? वेरी वार्म वेलकम ब्रो। और वक्त भी हमारा होगा। देखो एक बंदा चर्च होना चाहिए और ये एसएलआर वाला तो यही है ही। तीन बंदे हैं, तीनों में से एक भी पीक नहीं कर रहा। एक ने गाड़ी ली, चलो एक तो निकल गया। अब मुझे इसकी वेट है, ये वाला बंदा कहाँ होगा? इसको आना चाहिए था एसएलआर वाले को। चलो एक बाइक से। ओ ये इधर तो नहीं है? नहीं यार, ये बंदा बहुत ही स्मार्ट खेल रहा है, इसको छोड़ना पड़ेगा हमें अगर हमें जोन जाना है तो। मोस्ट प्रॉब्ली गाड़ी भी नहीं है अपने पास, मेरे रूफ से भी बंदा नहीं है। सॉरी बॉयस, जाना पड़ेगा। गाड़ी देखनी पड़ेगी। I was expecting that SLR guy to come forward. We have a bike though. और हमने कोई ऐसे बंदे मारे जिसको हमने लूटा ना हो? पता नहीं यार, होंगे तो सही। वो M4 मिल गई, बस यही चाहिए था। टैक्टिकल भी रहा। चलो निकलते हैं। वॉज एक्सपेक्टिंग समवन। ओ भाई ये रोड के बीचों बीच कौन शहीद हुआ है? सच अ पेनफुल डेथ। चलो भाई आया नहीं वो SLR वाला, वो उधर से बाइक से निकल गया जो मुझे लग रहा है। दिल तो मेरा यही कह रहा है कि वो अभी भी है पोचिंग की में। भाई मिलिट्री बेस सर्कल बन गया। जी जीज फ्रेंड्स। Vikendi reborn when? 6 December. Vikendi reborn when? In test over in about 6 or 7 days or maybe 3 days, not sure, I have to check. 3 hafte pehle to ya 2 se 3 hafte pehle test server mein aa jata hai jo mera already downloaded hai, which is often called early access. To jaisi early access mil jayegi we will play Vikendi reborn and we'll show you guys. बाय द वे अ न्यू लीक केम। अगर तुम्हें एक नई लीक जाननी है पबजी की Vikendi reborn के बारे में, मुझे ज़रूर बताओ चैट में, जिससे कि मैं तुम्हारे साथ शेयर कर पाऊँ। ओह नो, लो भाई हर बंदा प्रो है इस गेम में यार। मैंने जब तक सर ऊपर किया उसने शॉट दे दिया। अच्छा खेला यार ये बंदा, मुझे उसके एंगल में पीक नहीं करना चाहिए था, बट दीज डेज आई एम सो ब्लडी कॉन्फिडेंट ऑन माई एम कि हम ही हमें, बाकी तो सब बबल कम है। उसको मैं आराम से मार सकता था बट मुझे एम पे इतना ओवर कॉन्फिडेंस था अपने। अब मैं जब तक ऊपर कराऊंगा ना इसको आराम से दिखाऊंगा। हाँ बिकॉज मेरा टोपा दिख रहा था ना कि मैं वहाँ से पीक करने वाला हूँ, तो ही हैड एडवांटेज। एफ हो गया यार, इतने अच्छे किल्स आ रहे थे। अनरियल इंजन वो तो 5 है, वो नेक्स्ट ईयर आएगा। Vikendi reborn तो इसी इंजन में आ रहा है, इट्स कमिंग ऑन 6th of December और उससे पहले 2-3 हफ्ते पहले टेस्ट सर्वर में आ जाएगा। तो ऐसा तो मोस्ट प्रोबेबली, ओ एक्चुअली 6 December को टेस्ट सर्वर में आ रहा है, मैंने अभी चेक करा, इट्स कमिंग अराउंड 6 December इन टेस्ट सर्वर, या पता नहीं आज ही शायद कल टेस्ट सर्वर आ जाए, कुछ इन्हें कंफर्म नहीं है। उधर पोस्ट पे देखना पड़ेगा, अभी तक तो पोस्ट आई नहीं ना, नोटिफिकेशन अपडेट आई नहीं, तो जैसे ही वो आएगी तब पता लग जाएगा कैसा। ये टेस्ट ओवर की वो डालते हैं क्या टीजर में टेस्ट ओवर का? मे बी शायद आज या कल में एक लाइव स्ट्रीम होने वाली है उसकी, पबजी के डेवलपर्स की, जो मतलब उसमें वो काफ़ी अनाउंसमेंट्स करेंगे वगैरह वगैरह, तो उसमें पता लग जाएगा, तो डोंट वरी।
मिरामार अभी आया है, छोटा मिरामार डस्टी ब्लैक पोर्ट, कहाँ से हो जरूर बताओ, मैंने आपका कमेंट भी पढ़ा था आज जो आपने किया था। एंड आपका फेवरेट मैप आ गया है क्रेकिन। सो बेसिकली मिरामार जैसा है बट छोटा है, तो इसमें 64 प्लेयर्स टोटल होते हैं, अभी 61 है, और बहुत क्लोज रेंज फाइट्स होती हैं। हम उतरेंगे अलहबर, अलहबर ब्रो ट्राई मिरामार। अच्छा डस्टी एक छोटी सी चीज़ है ब्रो, हम ना यूरोप में खेलते हैं, ये एक सर्वर है जो आप एक वीपीएन या टनलिंग सर्विस लगा के लगा सकते हो, उससे आपको कोई डिसएडवांटेज नहीं होती, बस थोड़ा सा पिंग हाई होता है, बहुत थोड़ा सा, ठीक है। अब उसका फ़ायदा ये है कि यू गेट टू प्ले विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस पीपल एंड देर आर नो बॉट्स, ठीक है। एक वेबसाइट है पबजी लुकअप, उसमें अगर आप अपना नाम डालो या किसी का भी नाम डालो जो पबजी खेलता हो, तो उसमें पता लग जाता है कि उस पर्टिकुलर मैच में कितने बॉट्स थे, तो ये सीन रहता है, तो इट्स वेरी एक्साइटिंग एट द सेम टाइम। अब उसका डीमेरिट ये है कि यूरोप सर्वर ना रैंडम मैप है, तो आप चूज़ नहीं कर सकते, बट फ़ायदा ये है कि मैच मेकिंग बहुत फास्ट हो जाती है, हर मैच आपको जल्दी जल्दी मिलेगा और डिफरेंट डिफरेंट मैप्स मिलेंगे, तो मैं चूज़ नहीं कर सकता मिरामार, ये सीन है। मैं नीचे नहीं आ रहा, ब्रदर लीव मी अलोन प्लीज। ब्रो आई सेड लीव मी अलोन, ठीक है मिल गई। ओ 2x भी बड़ा है, मेरे राइट में बंदा है, वह हेलमेट नहीं है, हेलमेट ले लो जरा। ब्रो इन योर ओपिनियन इंटरनेशनल राइजन दोनों अच्छे हैं, जो मर्जी है वो ले सकते हो। वॉरियर वेलकम बैक। अरे कोई नहीं यार अनीश, ऑल गुड। आई विश आई हैड अ बैग, आई थिंक आई मिस्ड इट। ओह फाउंड अ लेवल टू वेस्ट, बैग मिल गया। बैरल पे मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, एक हेलमेट मिल जाता तो। इस वाली बिल्डिंग पे बंदा है, पीक भी कर रहा है यार वो, कैसे पीक दे रहा है। एक हेलमेट मिल जाता, ऐसा क्या हो गया। चलो अब जाता हूँ उसके पास वापस, अब मेरे को कोई डर नहीं दोस्त। वो पिक कर रहा था अपनी विंडो से, मैं सब लोग पुश कर रहा हूँ, हाय राम। अरे यार बाहर ही नहीं निकला, क्या किस्मत है भाई। क्राउच जंप फेल हो गई, हाय। अब एक पैसिव ड्रॉप करते हैं यार, बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ यार, क्राउच करके मैं मार देता है इसको, तो क्राउच जंप ही पैर अटका ही उसको। वन एच पी बच गया, सैड। अब आएगा शायद मेरा मार। जी जी पर वेर आर यू फ्रॉम ब्रो? पुनीत मैं दिल्ली से हूँ ब्रो, दिल 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 दिल्ली। Do you use AMP? Oh bro, that high recoil AMP gun is my favorite. I always pick it up whenever I can, especially on Kraken or anywhere where I'm about to have close range fights, because main laser wali bullets nikalti hai na, laser wali 8 HP bachata hu, 192 ki damage hui।
ये तो नाइस ट्राई हो गया। शो शो हेलो पबजी देव, कैसे हो? अरे सुन शिजो, ये बताओ, वो जो वो होने वाली थी भाई पबजी की, वो क्या नाम है, एक वो होने वाली थी ना कॉन्फ्रेंस या जो भी लाइव स्ट्रीम, वो कब हो रही है? मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में आज है कि कल है? क्योंकि मेरे हिसाब से वो कल है। एकदम बढ़िया वॉरियर, एकदम बढ़िया। बाय द वे पता है एक नया लीक आया है, पता नहीं मैं दिखा सकता हूँ कि नहीं, 75 लोग है, दिखा तो सकता हूँ। गूगल, ट्विटर, ये देखो जो पुराना पबजी मैप था ना, उसका नाम नहीं मिलता ना, एक तो चक्कर ये है। अभी एक नई वीडियो लीक हुई थी आज ही आज। यार इसने रीट्वीट करा था ना उसको, यार इनको ना फॉलो नहीं कर रखा क्या मैंने? देखते हैं, अगर आया होता ना मैं तुम्हें दिखाता, बहुत प्यारा चीज दिखाया है उन्होंने। रुक जाओ, सर्च करके देखते हैं, इसमें आ जाना चाहिए उस बंदे का नाम। हाँ आ गया, लो ये वाला ट्वीट है, बहुत प्यारा ट्वीट है। ये देखो पहला वाला जो मैप था ना विकेंडी 2.0, वो इतना था। अब इन्होंने क्या करा है, इस छोटे मतलब ये 6x6 था, या पता नहीं कितना, 8x8 था, 6x6 था हाँ। तो अब इसको इन्होंने 8x8 कर दिया है, बड़ा कर दिया मैप। तो जैसा इरेंगल, मिरामार और बाकी मैप्स हैं डेस्टोन, वैसे ये 8x8 होगा, और इसमें नई नई जगह ऐड हुई हैं। अब वो क्या हुई है इसको ध्यान से देखेंगे, रुक जाओ सेव कर लेते हैं इसे। विकेंडी 3, जैसे हम बीच में टाइम मिलेगा ना इसको देखेंगे कौन कौन सी नई जगह। ओ डायनोलैंड वापस आया है, डायनोलैंड वापस आया है, मैंने अभी देखा डायनोलैंड, उन्होंने शिफ्ट कर दिया, पहले कहीं और था अब उन्होंने कहीं और ही डाल दिया। तो ये अभी अभी पता चला है कि मैप को उन्होंने स्ट्रेच करके बड़ा करा है ऐसा। बस अब पबजी में ना एक छोटी सी चीज़ इनको करनी चाहिए, जैसे रैंक्ड मोड होता है ना उसमें सर्कल्स फास्ट होते हैं, तो इनको सर्कल्स थोड़े फास्ट कर देने चाहिए, उससे ना कि गेम थोड़ा बेटर हो जाएगा। अभी क्या है, लोग एक जगह उतरते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पोचिंग की उतरे और हम फाइट करते ही रहते हैं पोचिंग की, क्योंकि पता है फर्स्ट जोन है, बट वो थोड़ा प्रेशर बिल्ड होना चाहिए सर्कल का भी। कल 12:30 PM IST, ओके, बीच में सिस रिवर हटा दी। ओ पता है एक चीज़ और ध्यान, पता नहीं दी कि नहीं, अरे थैंक्स लॉट यार डस्टी, अप्रिशिएटेड ब्रदर। तो एक चीज और है, पहले वीकेंडी में गुलाग नहीं था, अब व्हाट इज गुलाग, उससे क्या है कि अगर आप एक बार मर गए तो आप वापस आ सकते हो। सोलोज में तो नहीं होता है गुलाग, बट डुओज और स्क्वाड्स में होता है, TPP FPP दोनों। तो अभी मैंने ध्यान से देखा तो एक कोने में ना एक वो बनाया हुआ है गुलाग टाइप, जैसे टाइगर वाले मैप में गुलाग है वैसे ही टियागो में जैसे है। तो अभी मैं दिखाऊंगा तुम्हें उस मैप की फोटो, और मुझे पता है वो जो एक जगह दिखाई थी ना उन्होंने टीजर में, वही गुलाग होगा क्योंकि वह गुलाग ही लग रहा था, वो आइस वाली जगह जहाँ कंटेनर कंटेनर पड़े थे। अच्छा है यार, जल्दी आ जाए, मज़ा आएगा वीकेंडी मैप में, बहुत सारे प्लेयर्स वापस आए हैं। हेलो आशीष, यार हेलमेट वेस्ट तो है अपने पास, रिलोड करने के लिए सबसे सेफ जगह यही है इस घर में। पुश करने में ये बड़ी डिसएडवांटेज है कि बंदा ना एकदम चौकड़ी मार के बैठ जाता है, उतरा ही यही था लो, एकदम लास्ट मोमेंट निकला, चौकड़ी मार के बैठा था कोने में। प्रभु पीक दोगे आप आज? प्रभु देख रहे हो कहाँ है, नाम में भी 69 है इनके, S4J69, कहाँ से पीक दे रहे थे कहाँ से।
भाई इसकी लूट है कि क्या है? दो हाथ से लूट रहा था ये लड़का। ये मोटर वाले अलग ही प्रजाति है भाई इस गेम में, इनको ना किसी से लेना है ना देना है, बस एक कोने में जाके दुनिया से दूर और वहां से अपना मोटर का सपना पूरा करते हैं। क्या पता शायद गोली लग जाए, ये आखिरी थी होते किसी किसी के सपने पूरे भी होते हैं, बाय चांस लग भी जाती है मोटर। पता नहीं यार कोई दिख नहीं रहा। आगे पीछे दोनों बंद। ओह वो कूदा। देखो मर गया ना, पहले तीन शॉट मैंने डराने के लिए मारे थे, वो डरा नहीं बट फिर वो मर ही गया। देखो वो वाला था बैरल वाला बंदा, और बंदे कहाँ हो सकते कुछ आइडिया? एक चर्च भी गया था ऊपर, चर्च वाले का पता नहीं क्या सीन है। यहाँ भी कोई दिख नहीं रहा। आइडली वी शुड प्ले बाय द रूल्स ऑफ द गेम, जिसको मारा उसे लूटते हैं और फिर निकलते हैं। ये एक बार और चक्कर मार लेते हैं पुचिंकी का, और भी होने चाहिए, कम तो नहीं थे इतने पुचिंकी में। मैंने डूडू की आवाज़ तो आई थी, ये शायद मेरी आवाज़ थी वो। एमओ तो होगी नहीं है, और बाकी सब तो होगा। हाँ हाँ 135 एमओ भी काफ़ी है। देखो यहाँ कोई नहीं दिख रहा, यहाँ भी कोई नहीं दिख रहा, बट हमें पुलक पुलक जाना होगा बिकॉज दीज गाइज आर नॉट ह्यूमंस। ये लोग यार एकदम ना स्टैटिक खड़े हो जाते हैं और आवाज़ नहीं देते, जैसे हवा चल रही होती है ना वैसे एकदम स्टैटिक, फिर एकदम से आपके कान के पास कोई एकेएम चला रहा होता है। देखो जैसे इधर बंदा है, इस ये भाई के लिए रिस्पेक्ट है कि वो अपना ढोई हिलाया, तो वी नो दैट ही इज़ देयर, नाउ वी आर अवेयर उसको देखने से पहले ही। मिस्टर नाइकू कुकू वाज थ्रोइंग नीड ऑन मी, उसको अपने एम पे भरोसा नहीं था। अब मैं क्या बोलता हूँ, चुपचाप बैठे रहते हैं 5 सेकंड के लिए, क्योंकि पबजी का क्या सीन है, अगर मैं चुपचाप यहाँ बैठूंगा ना अगले कुछ सेकंड्स में देख लेना, अगले 30 सेकंड में कोई ना किसी किसी ना किसी की आवाज़ आनी चाहिए, नहीं आई तो बात और है। तो TPP क्यों नहीं खेलते यार? खेलना तो चाहता हूँ मैं TPP, बट यार मेरे जो लोग हैं ना जो देखते हैं दे इन्जॉय एंड चेरिश FPP, दैट इज़ द प्रॉब्लम। बट TPP मैं करूँगा, टेंशन मत ले। ही ब्लास्ट रैंडम मोटर, क्या पता। चलो कोई नहीं आया, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। वैसे रेड जोन आ गई, इसका मतलब पुचिंकी में और कोई नहीं है, वरना एक बंदे के बाद कोई भी आता तो लगेगा। शीशा तोड़ देता
प्लेयर्स कहाँ गए? बेटर कितनी लाउड है वो एटेक्स है, इसके पास लेना पड़ेगा। हाँ ये गिरा दो, ये गिरा दो, एटेक्स लगाओ। हेलमेट वेस्ट है, स्मोक का ये गन चाहिए, क्या गिरा सकते हैं? ये लगाओ, ये गिराओ, ये कंज्यूम कर लो। यार ये ना नीचे को के मारता हूँ क्योंकि हेडशॉट ना लग जाए के नहीं का। यार मैं कोशिश तो वही करता हूँ बट अगर मैं फोर्सफुली इंग्लिश प्लस हिंदी मिक्स करूँगा ना तो होती नहीं है, वो अंदर से ही अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट फीचर है, मतलब मैं अगर फोर्सफुली करूँगा ना तो वो हो नहीं पाएगी मुझसे। आई विल ट्राई माय बेस्ट, डोंट वरी। चलो वी आर सॉर्टेड, एक शेल और ले लेते हैं। नाउ वी नीड अ कार, हाउ मेनी किल्स वी हैव? 3। We didn't have a car in the garage. तो अगर गराज में नहीं है तो उसके आगे गाड़ी होनी चाहिए। कोई लेके तो नहीं भागा? नहीं, आई डोंट थिंक एनीवन टुक द कार, लेट्स गो। यार स्माइल आई थिंक ऑन अमेजोन इट्स अराउंड 13K। वाइड वन ना, द वाइड वन इज अराउंड 13K। यार वो कहाँ है गाड़ी? अच्छा गाड़ी तो है ही नहीं। ओ ही टुक द कार ब्रो, व्हाई ही टुक माय कार डूड? एक साइकिल थी ना अपने पास, ये तो आया नहीं वाला। हमने कहीं साइकिल देखी थी, किसको याद है कहाँ देखी थी हमने साइकिल? साइकिल लेके जानी पड़ेगी यार, मैंने कहीं तो देखी थी साइकिल और मैंने उसे बेहतरीन तरीके से इग्नोर किया था। ये अच्छा है, यहाँ साइकिल होती है, पैदल नहीं जाना चाहता मैं। आई थिंक इस घर में साइकिल थी। इस घर में तो मैं गया ही नहीं, चलो ऐसे ही चलते हैं। और क्या, गाड़ी तो है नहीं क्योंकि तीन स्पॉन होते हैं, तीनों में से एक वहाँ गाड़ी नहीं है, जहाँ होती है वहाँ ले ली उसने, वो इससे फाइट करते हैं। इसके पास पक्का गाड़ी होगी जिसने K9 चलाई है। कौन से ईयरफोन यूज़ कर रहे हो? मैं एप्पल ईयरफोन 3.5 जैक डायरेक्टली प्लग्ड इन माय CPU। और नेक्स्ट क्वेश्चन माइट बी कि तार छोटी नहीं पड़ती यार उसके लिए ना, मैं वो यूज़ करता हूँ ऑक्स केबल एक्सटेंडर ऐसा। भाई दृश्यम 2 देखी? ना यार कौन देखेगा दृश्यम 2। कॉन्टेंट हम सब चूज ही हो गए यार। नहीं मैंने लेटेस्ट जो देखी थी वो थी 1899 नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज, बहुत ही अमेजिंग। अभी जो केनन वाला है ना ये किससे फाइट कर रहा है बट मर नहीं रहा है कोई बंदा। स्विज में, ओ भाई साहब सही यार ले ले, 5K में मिल रहा है, ओ तेरा भला हो। तो यार इट्स क्वाइट चीप ब्रो। फाइव के में तो इट्स अ ब्लडी स्टील डील ब्रो। अभी फिलहाल ये चैलेंज है कि केनन वाला हमें मिल जाए क्योंकि गाड़ी है नहीं और बहुत हाई चांस है किसने मुझे देख लिया होगा आते हुए और अभी लड़ भी नहीं रहा है। अच्छा भाई ट्रिगर कंट्रोल रखते हैं, इसको मारेंगे। जोन से तो मरा नहीं है।
जसिम सिंह यार, मुझे लगा वो अब दिख जाएगा, उसके स्पेस नहीं होगी ऐसे तो कुछ नहीं होगा। पता नहीं पीक नहीं कर रहा, पुश करना पड़ेगा। अब उसको ओहो बंदा अच्छा था, कुछ भी बोलो रिस्पेक्ट है बंदे के लिए। ही वाज नॉट कैंपिंग एक्चुअली आई हैव रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन हु डजंट कैंप इन दिस गेम। नाउ आई नीड अ लेवल 2 हेलमेट, इसके पास होना चाहिए। ओ देयर इज अ कॉम एक्सटेंडेड 6/6 फॉर श्योर। फोल्डेड शीट भी चाहिए मुझे, बट आएगी नहीं, रेस्ट में रिप्लेस हो गई थी। गाड़ी मिल गई, अरे आ जाओ भाई। गाड़ी क्या सही जगह पार्क कर रखी है भाई बंदे ने। रीलोडेड रीलोडेड, वो मैं SLR इज नॉट रीलोडेड। 8S मैंने ड्रॉप कर दिया, बहुत टाइम लगता है यार। अरे अरे अभिनव, आप पबजी PC की कोचिंग क्लास लेना। अरे अभिनव थैंक्स लॉट for supporting me and the channel bro, means a lot. Thank you. 33 people alive friends. Z5 pe nahi yaar, telugu samajh nahi aati na yaar. देखो गाइस, मेरे हिसाब से L बिल्डिंग पे बंदा है ये वाला, जो ग्लास बिल्डिंग भी बोलते हैं इसको। अब इस पर बंदा है तो सही, बट उससे फाइट हम कैसे लें जो हमें एडवांटेज रहे। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो बंदा वेयर इज ही पीकिंग फ्रॉम, दैट्स नॉट एन ईजी टास्क। ओ दिस वन मोर गाय, आई एम कमिंग ब्रदर, आई एम राइट बिहाइंड यू। ये रुकेगा, पक्का रुकेगा भाई। आई हेट दिस ट्रेंच और वट एवर दिस ग्रिल इज। वो बॉय दो बंदे थे यार, रुक गया होगा कि जय माता दी हो गई दोस्त हमारी। तो वो बग्गी वाला तो मेरे मार पहुंच गया होगा अभी इतने में। ये साला यही क्यों घूम रहा है, जीवन से प्यार नहीं है इसे। बेटे ड्राइव बैक करोगे तुम? उसके कान पे गोली लगी गाइस, उसके कान पे गोली लगी भाई। लड़का बहुत सही खेल रहा था, रिस्पेक्ट। करा गया बट हमें अपने एम पे विश्वास है। हम लोग क्यों नहीं हूं बट हमें अपने एम पे विश्वास है। बट मुझे अच्छा लगा ये बंदा, ही पुश्ड मी। इससे क्या होता है कि इंटेंसिटी बनी रहती है। 77 पीपल वॉचिंग यार, लाइक कर दो फटाफट, मज़ा आ जाएगा। 7.62 ये उठा लेते हैं। और मुझे बेमतलब इसमें ना शॉर्ट्स ही लेने हैं ग्लाइडर पे। हम अपनी जर्नी कंटिन्यू रखेंगे। क्या प्लान है? ओ सर्कल तो है, ओहो एक फ्री किल मिल सकती है हमें। यहाँ कोई बंदा है? इस घर के अंदर बंदा है। क्या प्लान क्या है, प्लान क्या है?
चार फर्स्ट एड ये सही है, नेड अपने पास है नहीं, नेड हमें लेने पड़ेंगे उस बंदे से। ठीक है आ जाओ। उस घर से हमें कोई देख नहीं रहा, हिल से कोई देख नहीं रहा, ये बंदा करने क्या आया था? अच्छा ये फाइट लेने आया होगा। डायमंड सप्रेसर मिल गया, एक्सटेंडेड वगैरह अपने पास है, और 56 ये वेस्ट अपग्रेड हो गई, नीड इसके पास है नहीं। एक और बगी वाला गुलू गुलू करते हुए आ रहा है जो यहाँ तो आएगा नहीं यार। नीड होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओ भाई साहब फ्लाइंग बुई भाई, लड़का फ्लाई कर रहा था। मैं वॉल्ट नहीं करना चाह रहा। वो बंदा रेड अपार्टमेंट्स गया होगा क्योंकि उसकी बगी जैसे उड़ते हुए गई थी ना, वो वहीं जाके मध्यम मध्यम रुकी होगी। लेवल 3 बैग ले लो। हाँ ले सकते थे बट मैंने लिया नहीं, अब छोड़ो कोई नहीं। बग्गी तो यही है, ये बंदा है तो यही, बट फ्लैश है क्या? मॉली है? नहीं फ्लैश नहीं। अब ये बंदा किसी भी उसमें हो सकता है बट दिख नहीं रहा, यही प्रॉब्लम है इनका। प्रॉब्लम यही है यार, इसको पुश करना तो है। पीछे फ्लैंक तो नहीं हो गया? नहीं, एक साउंड जो ये दे दे। मैंने मारी तो है गोली। आइडली इस फेक बुलेट स्पेस बंदा पिक करने लगता है। देख उसको ये तो पता है मैं हूँ यार, जय माता दी करके ना पुष्टि करना पड़ेगा। एक तो हर एक एंगल खुला पड़ा है। आ क्यों नहीं रहा? ओहो भी नहीं हिला। ठीक है बहुत सी रहा ब्रो यार, एक तो एक ग्लाइडर भी ऐसे समय पे आ रहा है ना, हल्का सा फुटस्टेप आ गया तो जीजी हो जाएगा यार। वो गया कहाँ? यहीं तो उतरा था वो। छोटे घर में है क्या वो? भाई मैं सच बता रहा हूँ यहीं आया वो। आई एम जस्ट प्लेइंग स्मार्ट, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अलार्म बज गया, गाइस कंफर्मेशन का टाइम हो गया टूर्नामेंट का। देखना वो बंदा तो मिल नहीं रहा, इस पे फोकस करते हैं। एक बंदा इधर भी था जो दिख नहीं रहा, इधर भी एक होना चाहिए। सर्कल अपने पास है भाई, ऐसा सूंगड़ी में बैठा है लड़का। लो कोई और आ गया इतनी देर में। ओहो ओहो
भाई ये बंदा जो बगी वाला था इसको तो मैं रिप्ले ऑन नहीं है, वरना मैं ढूंढता जरूर इसको गया कहाँ। अभी सबसे प्रीमियम जगह ये है, वैसे प्रीमियम हाउस तो मेरा वाला ही है क्योंकि 16 बंदे अलाइव हैं। सर्कल छोटा, ओ बॉय जो सर्कल शिफ्ट हुआ है। अब हम कहाँ जाना चाहिए? एक्चुअली मेरे पास एक सर्कल तो है, लेट गेम में बाद में येलो जा सकता हूँ, है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब ये जो ओ भाई वो बंदा शैक में हो सकता है, वो बंदा 100% शैक में होगा जो बगी वाला आया था। आ गया आ गया आ गया। आप देखते हैं किधर से पुश करता है, घर में पुश हो गया। मारो तो कैसे मारो, वो हट गया उधर से। और वो सत्तर सेकंड है, कुछ तो दिमाग लगा रहा है। एक स्नाइपर है इसके पास, तभी ऐसी टेढ़ी मुंडी पीक कर रहा था। चलो हमें सबको जाना है उधर। देखो सुनो मैं वापस आता हूँ, तुम लोग अपना आपस में कर लो, मैं ज़रा चुपके से रोटेशन मार के आता हूँ ज़रा थोड़ी देर में। ये तो साला स्टैक में ही चौकड़ी मार के बैठा हुआ है। वो मार भी दिया भाई उसने, नो रिस्पेक्ट वाले बंदे ने। और स्टैटिक बैठो, उड़ी बाबा। दुनिया पार से एक बंदा देख रहा है।
और फर्स्ट एड नहीं है, थोड़ी एच वो बूस्टर नहीं है, दिक्कत ही हो गई। अभी ओए ओम वाले बंदे का नाम याद है? ओम वाला बंदे का क्या था? ओम 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 ओम। अच्छा उसने ओम चलाई बट मिस कर दी सैड। इसका नाम क्या था? सेंट डॉक। सेंट डॉक वाले भैया इधर है, चार बंदे हैं हमें पेशेंस की। ओ एक और बंदा बचा, एक दो और ये तीन। अब क्या करें? सॉरी सॉरी एंगल क्रॉस कर लिए। देख लेफ्ट वाला तो उससे लड़ेगा लड़ेगा, हमें राइट ही जाना पड़ेगा, बट हमें अभी टाइम है। राइट वाला मेरी तरफ नहीं आने वाला, राइट वाला जोन में जाएगा। अब हमें जोन में निकलना चाहिए। भगवान के लिए अपने पास भी नहीं है। साला स्टैटिक M4 जीत गए। कैसे यार मेरा स्प्रे नहीं लगा यार, उस पे वो ना चिकन हो जाता है यार। किरण से मारना चाहिए था साला, मेरे को AKM के स्प्रे पे इतना भरोसा था कि वो हिलेगा नहीं, बट लगा नहीं यार अच्छा स्प्रे। भाई मज़ा बहुत आया ना गाइस, 97 पीपल वॉचिंग, फटाफट लाइक कर दो जल्दी जल्दी। मैं अपॉलजीज यार थोड़ा सा यार, देख इसका कितना प्यारा स्प्रे। इसलिए M4 हमेशा सुप्रीमेसी में रहती है, इसका एक डॉट नहीं ला। और मेरी AKM ऐसे 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 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तो नहीं हो रही थी, वर्टिकल हो रही थी। कितना प्यारा, प्लस ये इसका क्राउच भी होगा, नहीं क्राउच तो नहीं था, खड़ा ही हुआ था ये। यार मेरी AKM इतनी हिल गई ना साला। M4 होती ना 3x या 4x में ये 100% डेड था। मैंने पहले शूट किया था इससे, बट मेरा प्रिसीशन AKM का एक आध गोली लगी है इसको। M4 सुप्रीमेसी बॉय। NT बट मज़ा आया, अच्छा गेम था। अब यार टूर्नामेंट खेलना पड़ेगा, तो टूर्नामेंट ज्वाइन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट गेम सीधा टूर्नामेंट का है, सोलो टूर्नामेंट बेबी। अभी 31 सेकंड्स बाद लॉन्च होगा, तो होने दो, 26 सेकंड है, 26 सेकंड बात कर लेते हैं थोड़ा, और फिर एकदम सीधा लॉबी चले जाएंगे। घर के ऊपर, क्या घर के ऊपर ब्रो? काना इज लाइक पुश मत करो, वो बंदा आपको रिस्पेक्ट दे देगा। अरे 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 श्री, माय अपॉलिजीज यार। देख मैंने ट्राई पूरा किया था भाई, मैंने देख ट्राई पूरा किया था जीतने का, बट मैं जीत नहीं पाया, माय अपॉलिजीज। श्रीम जी, अरे लॉर्ड शिवा कैसा है ब्रो? इस बार कैम करना, देखते हैं अभिनव कैसा जाएगा टूर्नामेंट, लेट्स सी। वेरी क्लोज टू 100 लाइक्स। अरे यार मेरे को लाइक ही नहीं दिख रहे गाइस, फटाफट लाइक करो, 82 पीपल वॉचिंग। जल्दी जल्दी हाई लिखो पहले फटाफट, सो आई कैन वेलकम यू, आई कैन ग्रीट यू। 101 लाइक हो चुके हैं, 111 में देखते हैं कितने लोग करेंगे। कोई तो होगा जिसने लाइक नहीं करा होगा, जो लाइक भूल गया होगा वो कर दो फटाफट। कोई बात नहीं, ओपी गेम प्ले था, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब लॉबी बनने में टाइम लगेगा क्या गाइस? लॉबी बनने में टाइम लग रहा है, एक हॉट ड्रॉप करके आ जाए इतने, क्या बोलते हो? अभी ये लॉबी बनाने में टाइम लगाएंगे, इतने एक हॉट ड्रॉप करके आ जाते हैं, क्यों वेट करना, लेट्स गो। अहमद यार
वेलकम वेलकम जितेंद्र, जेरी जेरी वापस आ गया। ओ नर्ड भी आज, तो और थोड़ा क्लोज जाना था। हाँ यार देख नर्ड, मेरे को पता है क्या लगता है यार, कि अगर मेरा एम फोर होती तो मैं शायद और बेटर प्रिसिशन स्प्रे होता। ए के एम थोड़ी हिल गई यार उस एंगल पे, पता नहीं क्यों, पता नहीं, माय बैड। इविल पता नहीं यार, नो आइडिया, गूगल इट। लेजेंड वेलकम वेलकम। अभी सरेन कैसा है ब्रो? चैलेंज मोड लेजिट है क्या? लेजिट का मतलब, लेजिट मतलब देख, अगर आप लेजिट का मतलब ये है क्या उसमें हैकर्स आते हैं? हाँ यार आते तो हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा आते थे, अब कम हो गए हैं, बहुत कम हो गए हैं ये बोलूँगा, क्योंकि बस कम हो गए हैं ये बोलता हूँ। और दूसरा क्या पूछ रहे थे आप? दूसरा क्या था? चैलेंज मोड और लेजिट है। हाँ दूसरा कि अगर जीतते हैं तो क्या प्राइज मनी आपको मिलता है? हाँ यार मिलता है, बट क्या एक पे वॉल है? हाँ यार, कि अगर आपको एक सर्टेन अमाउंट लाइक 10 pounds या 15 pounds तक आपको अर्निंग्स जीतनी होती हैं, तभी आप वो कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो विनिंग्स विड्रॉ के लिए। क्या हो पाती हैं? हाँ यार मैंने तो करी है बहुत बार, तो हो जाती है। इंस्टेंट होती है? हाँ इंस्टेंट होती है, मतलब यहाँ बटन दबाओगे सीधा आपको ऑफर आ जाएगा ऐसा पेपैल में। हबीबी डीपीएस हबीबी, ओ भाई देखते रहते हैं, मैच शुरू ना हो जाए। ओ गो टू गेम आ गया क्या? हाँ यार गो टू गेम आ गया, 3 मिनट है, सॉरी लीव करना पड़ेगा, मैच शुरू हो जाएगा 3 मिनट में। कहाँ चला गया? अरे यार 3 मिनट बाद लॉबी बनेगी, वेटिंग फॉर टीम्स आ रहा है, इसके बाद लॉबी क्रिएट होगी। चलो बात कर लेते कोई ना। अरे बिल ऐसा थोड़ी यार ब्रो, वी ह्यूमंस और एवरी ईच वन ऑफ अस हैव लिमिटलेस पोटेंशियल ब्रो, ट्रस्ट मी। हमें बस सोचना है कि हमें ये करना है, एंड वी कैन डू इट। लिमिटलेस पोटेंशियल होता है, वी जस्ट हैव टू टैप ऑन इट। मेरा अब तक का फेवरेट पबजी प्लेयर टीजल 10, और अब एक आप भी हो ब्रो। अरे आर्यन क्या बात कर रहा है ब्रो, सीरियसली थैंक यू थैंक यू। और बताओ दोस्तों की हाल चाल, और बताओ क्या क्या किया आज दिन, कुछ स्पेशल, कुछ ताज़ा, कुछ नया ज़रूर बताएं हमारे साथ। हम कर रहे हैं पॉडकास्ट विद रचित, जल्दी से बताएं अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी, क्योंकि अभी हमें 2 मिनट काटने हैं और फिर ज्वाइन करना है ये मैच में किंग। क्लोज में ज़्यादा कवर नहीं था, दो और स्मोक होते तो हो जाता, मतलब बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे यार। बस मैं जो सिंपल तरीका है ना वो ये कि अगर गन थोड़ी ना हिलती तो वो जो उसको छुट छुट थोड़ी गोलियाँ लगी ना उसकी जगह बहुत सारी गोली लगती और वो इंस्टा डेड हो जाता, क्योंकि जितनी देर में उसने रिएक्ट करना ना उतनी देर में मैं M4 से मार के निकल जाता। ब्रो राउडी स्टिक टू द गेम बाय वे। iPhone 14 Pro और Pixel 7 Pro सजेशंस प्लीज। यार पता नहीं अभिनव यार, आई एम लाइक, मैं फ्रेंकली बोलूँ आई एम सो डम विद फोन्स, आई ओनली नो 2 things। एक तो कैमरा ठीक ठाक होना चाहिए कि आप फोटो वगैरह वो सब खींचो तो सही हो, और दूसरा मतलब इट शुडंट बी लाइक सुपर एक्सपेंसिव ऐसा। तो मेरे लिए मैं आई एम नॉट गुड विद फोन्स एंड ऑल, तो आप पूछोगे ना Pixel 1, मुझे उसके स्पेक्स भी नहीं बताओगे, तो आई एम मोर इन टू लाइक PC एंड ऑल, आई एम नॉट इन टू फोन्स। मेरे को बस 2-4 काम चाहिए होते हैं फ़ोन से, वो हो जाए, इट्स मोर देन इनफ फॉर मी। सो ऐसा इज दिस अ टॉर्नामेंट? या इट्स अ टॉर्नामेंट डस्टी। क्या मैं चैनल पे हाइड हूँ? नहीं आ रहे, जैसा क्यों बोलता है, तेरे को पता तो है रोज़ तो मैं चैट पढ़ता हूँ तेरा। अब पता नहीं वो तेरे तक पहुँचती है कि नहीं ये नहीं पता। प्रो आप अपने ओल्ड टीम के साथ कब प्ले करोगे? सून। ध्रुव वेलकम वेलकम। गन स्लिंगर कैसा है ब्रो? Pixel 7 Pro इज 8 and all। देख ले यार, मतलब अभी ना आई डोंट नो व्हाट इज योर क्राइटेरिया फॉर कि आपका फ़ोन आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करे, तो ऐसा इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। फॉर माई ब्रदर इट्स मोर ऑफ लाइक कि आई वॉन्ट द बेस्ट, आई वॉन्ट द लेटेस्ट एंड ऐसा फॉर अ सर्टेन पीरियड। ही डजंट वॉन्ट टू री इन्वेस्ट इन अबाउट अ स्पैन ऑफ 3 years, बट आफ्टर 3 years इज लाइक डिच दिस फोन, आई डोंट केयर अबाउट वॉट एवर द अमाउंट, आई वॉन्ट द बेस्ट। मे बी इट्स फॉर प्रियर प्रेशर या और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैमरे से, और तो इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन व्हाट यू नीड फ्रॉम द फोन। तो आई एम काइंड ऑफ न्यूबी इन द फोन्स एंड ऑल। वरुण वेरी वार्म वेलकम। भाई ये तो लाल हो गया, क्या बकवास है ये भाई, मेरे को तो लॉबी की डिटेल्स ही नहीं मिली। अच्छा अभी शुरू होगी, अभी आई नहीं है।
मैंने ज़्यादा सीरियसली ले लिया टूर्नामेंट को ब्रो यूट्यूब से अभी तक. ब्राउडी यार मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ ले यार, ये सब वैसे पूछना नहीं चाहिए बाय द वे, लाइक किसी से भी नहीं पूछना चाहिए आपको ऐसा. लाइक यू विल बी अनकम्फर्टेबल इफ आई आस्क यू हाउ मच डज योर डैड अर्न और हाउ मच डू यू अर्न एंड व्हाट्स योर फैमिलीज टोटल इनकम. यू विल बी वेरी अनकम्फर्टेबल. मतलब ये बेसिक चीज़ें होती हैं, लाइक ऐसा किसी से पूछना नहीं चाहिए. इट डजेंट साउंड नाइस ऐसा. इज 240Hz 1080p मॉनिटर वर्थ टू बाय फॉर पबजी पी सी और 1440p मॉनिटर 144Hz? डिपेंड्स दिव्य शुभम. देख मेरा पर्सपेक्टिव ये था, आई एज अ स्ट्रीमर आई हैव अ एल्गाटो विच विल फंक्शन वे बेटर. देख मेरा सबसे पहला रीज़न ब्रूटली ऑनेस्ट ये था कि जब मैं मॉनिटर ले रहा था ना, तो मेरे को ये था कि देख यार मेरे पास GPU है 3070 Ti है, ठीक है. अगर इन फ्यूचर मैं एक नेक्स्ट GPU भी मिलता है या मैं खुद लेता हूँ, तो भी आई वॉन्ट द मैक्सिमम FPS और आई नो हाउ द मॉनिटर्स वर्क. देर इज़ अ 360Hz मॉनिटर, देर इज़ अ 500+ Hz मॉनिटर कमिंग इन द फ्यूचर. उसके लिए यू नीड द बेस्ट ऑफ द कार्ड. अब सीन ये होता है कि जितना हायर रेजोल्यूशन पे आप खेलते हो उतना आपका FPS डिमिनिश होता जाता है, ठीक है, बट क्लियरिटी उतनी बढ़ती जाती है. देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन 1080p एंड अ 1440p मॉनिटर. बट द सीन इज कि आपको आपका सिस्टम स्पेक भी उतना चाहिए. अगर आपको ये है कि आपको कॉम्पिटिटिव ज़्यादा नहीं खेलना है, उस लॉबी आ गई. अगर आपको कॉम्पिटिटिव ज़्यादा नहीं खेलना है एंड यू डोंट केयर अबाउट अ लॉट ऑफ FPS गेम्स, लाइक यू डोंट वांट द कटिंग एज, तो आप क्या कर सकते हो, आप 1440 भी जा सकते हो विद 165Hz या 240Hz इफ़ योर GPU एंड योर CPU सपोर्ट्स इट. बट सीन ये है कि आपका मॉनिटर और CPU भी आपको उतना FPS देना चाहिए जितना आपका मॉनिटर आ रहा है, तो वो भी एक चीज़ रहती है. तो इसलिए आई वॉन्टेड टू गो विद द TN पैनल कि मेरा 240 आता नहीं है पबजी में, वो ऊपर नीचे उतर रहता है 190 से 220 के बीच में, कभी 240 ऐसा, डिपेंडिंग अपॉन मैं हाउस के अंदर हूँ ओपन एरिया में हूँ ऐसा. अरे कहाँ था वो प्ले कस्टम ई स्पोर्ट्स 61 ज्वाइन. ओके चलो हो गया, लेट्स गो बेबी. मैंने सुना था तुम GTX 770 में खेलते, अबे वो मजाक था ब्रो. पर मैंने शुरुआत GTX 770 से की थी पबजी में, मैंने स्टार्टेड स्ट्रीमिंग. 1000Hz ले लो. ओ भाई साहब बैटरी इज फिनोमिनल इन रैम मैनेजमेंट इज नेक्स्ट टू परफेक्ट यार. वरुण नोज अलॉट मोर देन मी, देयर यू गो. नहीं बुरा नहीं है, जस्ट दैट मैं आपको बता रहा हूँ सो दैट आप ये चीज़ अब बाकी जगह ना करो ऐसा. सो ऐसा ये टूर्नामेंट जीतना है यार, जीतना कह नहीं सकते. जब जीतने के लिए आते हैं ना फिर दुख होता है, बस अच्छे से खेलो. अरे यार ये माउस ये बंद क्यों नहीं हो रहे मेरे, कंफर्मेशन. हाँ अभी बंद हो गया, बढ़िया. ओ भाई साहब ये 14 PM क्या है वरुण, ये 14 PM क्या है? आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर 14 PM. ये फोन है वो 14 PM नाम है ये तो, मैंने भाई कभी गूगल भी नहीं करा. 14 PM फोन. अच्छा प्रो मैक्स का छोटा नाम है. ओ साला ये नाम कब आया बे, 14 PM. होली शेट ब्रो, होली शेट. सॉरी गाइज आई लैग बिहाइंड इन दिस स्टफ. यूरोपेक अरे आशी बस आपका साथ चाहिए, बाकी तो सब हो जाएगा, टेंशन नहीं है. आई प्ले फॉर द फन दो एंड फॉर द कॉम्पिटिशन. राइस टूर्नामेंट में अच्छे से परफॉर्म करना और दही शक्कर खा ले पहले ही. अरे 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 भाई कस्टम वाओ, एक्चुअली कस्टम नहीं है टूर्नामेंट है ब्रो. आज 18 लोग हैं, कल कितने थे, कल 20 थे, आ जाएंगे धीरे धीरे, 19 हो गए. गीगाबाइट का रैम कैसा है ब्रो? एकदम सही सेक्सी ओपी है ब्रा, तभी तो लिया है मैंने. ब्रो कार्स कैसा है ब्रो, वेलकम वेलकम. हाउ इज द लिटिल किड डूइंग, इज ही स्लीपिंग एंड देन यू आर वॉचिंग द स्ट्रीम, इज इट द सेम सिनेरियो टुडे? Oh, that's true, Abhinav, for sure. How many girlfriends do you have?
हर्ष मैनी, वेरी मैनी। आप बताओ हर्ष, और कोई रहा तो नहीं? नहीं, लाइव स्ट्रीम में भी ऐड आता है क्या? भाई मेरा बस चले तो हर 5 सेकंड में ऐड, नहीं 5 सेकंड ज़्यादा हो गया, हर 30 सेकंड में ऐड आना चाहिए। वो तो यूट्यूब वाले अभी पर्पल प्लेटफॉर्म को ज़रा चेंज नहीं कर रहे हैं, वरना पर्पल पे तो भाई थोड़ी देर देखा फिर ऐड, थोड़ी देर देखा फिर ऐड। मैंने कहा उफ इतना। ओ स्टार्ट हो गया भाई साहब। अच्छा हाँ टाइम हो रहा है ना, ये टाइम से स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम ये, इनका नेक्स्ट टूर्नामेंट भी है ना, ये बेस्ट ऑफ टू है बाय द वे, दो मैच होंगे इसके। पहले वाले में अच्छा परफॉर्म किया तो ही खेलेंगे दूसरा, तो लेट्स गो। डोंट मेक सेम मिस्टेक यस्टरडे इन शैक विद मॉली, याद तो है मुझे, देखते हैं कोशिश करेंगे आज। मुझे लग रहा है एक, देख हर बार जब भी मैं टूर्नामेंट शुरू करता हूँ ना, मेरी शुरू की जो स्टार्टिंग होती है वो इतनी भयानक होती है कि मैं एक बार सोचता हूँ कि मैं क्यों ही खेल रहा हूँ, बट दैट्स हाउ विल इम्प्रूव। कोशिश करेंगे यार, दे आर अमंग द बेस्ट प्लेयर्स। इसका नाम देख रहे हो, विव एस शिफ्ट टी एस IGL, एक का तो नाम था। अरे दैट्स नाइस है वरुण, दही और शक्कर दोनों। अच्छा GTX मैंने आर्यन के साथ ही किया था। अरे 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 इविल, कोशिश करेंगे ब्रो कोशिश। अब मतलब ये जहर कॉम्प्लीमेंट है कि ये मतलब क्या? जय क्राफ्टन माया। हाँ आज कैंपिंग हो जाए, चाहते हो तो मतलब हम बिल्कुल बेशर्मी से जीते ही हैं, मतलब साम दान दंड भेंट लगाते क्या जीतने के लिए टूर्नामेंट? प्लेन पाथ देख रहे हो दोस्तों, ओपी ओपी प्लेन पाथ आया एकदम। अरे देखो दोस्तों, मैं पहले ही चेतावनी दे रहा हूँ, ये ऐसा गेम है कि इसमें कुछ भी हो सकता है। दिस एंड नॉर्मल, जो भी नॉर्मल में होता है ना वो इसका 5x होता है इसमें। तो अगर हम एक दर्द वाली मौत मरे तो एंटी लिखना मत भूलना, जिससे मुझे सहानुभूति मिले और फिर हम खुशी खुशी नॉर्मल मैच में जाएं। क्योंकि देखो टूर्नामेंट में बुरा जब होता है ना तो बहुत बुरा लगता है, ऐसा सीन है। भाई गेम स्टार्ट होने के बाद नो चैट रीडिंग प्लीज। अरे मैं मॉनिटर ऑफ कर दूंगा तो, और बता। आई नो आशीष, आई विल ट्राई माय बेस्ट प्लीज। अभी 9 सेकंड है, पिक्का प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। मैं एंटी पहले लिख दिया। अरे भाई भाई डैंक भाई, दूसरा फोन दिया उसको उस हाय पार्टी में। हाय ब्रो, मैसेज बेटर ब्रो, ब्रदर ब्रदर, आई वांट टू विन बट आई एम स्केर्ड। यू वांट विन, यू वांट विन। अबे यार जहां उतरना था वो लेट हो गए, चलो अब फोकस करते चलो। हाँ यार, वेयर फ्रॉम ब्रो? ब्रदर आई वांट टू स्टिल विन बट आई एम स्केर्ड। ओए आओ दोस्तों, इस दर्दनाक गेम की शुरुआत करें। यहाँ उतर गए। वो गाड़ी लिया उसने, हाँ गाड़ी लेके कहीं भी लूट लेगा वो वाली बात है।
टू लक 21 बंदे बचे हैं। क्या होगा इस टॉर्नामेंट में दोस्तों? चलो देखो M4 तो स्टैक हो गई। टाइम कितना है? सर्कल भी अपना ही है। चलो बढ़िया, SLR भी मिल गया। ये वाला घर नहीं लूटा ना, ये लूटा हुआ है। ये हेलमेट का ही नहीं मिल रहा है दोस्त। दरवाजा बंद कर देते हैं यार, ये अगर अपने को ट्रेस कर रहा होगा तो उसको पता नहीं लगेगा। अरे गाड़ी भी ढूंढनी है यार अभी तो। एक 4x स्प्रे के लिए भी चाहिए, एक स्नाइपर मिल जाए। अरे सुपर सोनिक इज डेड यार, एंटी। ये भी इंडियन ही बंदा है जो हमारे भी चैट में था। इज एन अमेजिंग प्लेयर सोनिक। जल्दी मर गया। एफ, मुझे था वो एंड तक तो टिकेगा। सोलह बंदे अलाइव हैं, बहुत बड़ा सर्कल है, बट सर्कल बहुत जल्दी जल्दी आएगा। 5 सेकंड बचे हैं। 112 लाइक कर दो फ्रेंड्स। चैट तो दिख नहीं पा रही है। इसकी बालकनी से कूद के फिर लेने चलेंगे। अरे यार क्या उठा रखा है। एक बंदा इधर है, येलो पे शायद। नहीं यहाँ पे है गाड़ी लेफ्ट में। वो ये भी गाड़ी है। वैसे मैं दासिया पसंद करता हूँ, दासिया लेता हूँ। कितना टाइम है? वो सर्कल भी तेज आ रहा है। कल की तरह 14 या 12 बंदे बचेंगे फेज 3-4 में। बहुत इंटेंस हो जाएगा। पता है बहुत फ़र्क है यार 144 और इसमें। इसमें ना वो मतलब बहुत स्मूथ है। 144 में क्या होता था, हिल रहा है। इसमें आई साइड पर भी कितना आराम रहता होगा।
यार 2 मिनट वेस्ट करने, कैसे वेस्ट करें? ओहो ये वाले घर पे तो अटैक ही अटैक हो रहा है दोस्तों। ये है आपका प्यारा सर्कल, ये बंद होगा अभी कितने टाइम में देखते हैं, 2 मिनट में। ये बेस्ट ऑफ वन होता ना मजा ही आ जाता, अभी बेस्ट ऑफ टू है ना तो सबको ये है कि किल्स फार्म कर लो। वैल्यू तो टॉप थ्री की है, जो टॉप थ्री आएंगे उनको ही फायदा है। वो क्वेरी में भी बंदा था, मार्क करना भूल गया मैं, एक यहाँ बंदा है एक यहाँ बंदा है। दोस्तों बंद हो रहा है ये, 115 लाइक करो फ्रेंड्स। रोटेशन कितने मारेंगे? अब हम मारेंगे आराम से 1 मिनट 33 सेकंड में। अब हमें निकलना चाहिए, ये दो अगर टेकन है ना तो अपना लेफ्ट राइट का भी सीन है। यहाँ पे एक मोस्टली बंदा होता ही है और यहाँ शैक पे भी बंदा होगा ही, बट फिर भी देखते हैं, डिपेंड करता है। तो यार स्लो बंद हो रहा है ना, इस सर्कल के बाद वाले सर्कल में थोड़ा सा मज़ा आएगा, ये वाला तो अपना धैर्य मेंटेन करने वाला सर्कल है पहला वाला तो। अब निकलना चाहिए, अपने सर्कल आ जाएगा। पता था साला एम तो करेगा ही। मैं तो खाली हूँ, नेट से कौन मर गया? एक यहाँ बंदा है, एक यहाँ बंदा है और एक क्वेरी में बंदा था। 3 बंदों की इन्फॉर्मेशन अपने पास। ओ ले भाई 2 बंदे और गए, यहाँ 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 और क्वेरी, ये टेकन है, बाकी देखते हैं। 13 बंदे बचे हैं दोस्तों, लाइक कर दो फटाफट। बफर हुआ था क्या? पता यार बिल्कुल 32% GPU 40% CPU, बिल्कुल पता नहीं क्या सीन है। अब सर्कल बंद हो जाना चाहिए आइडियली, इस सर्कल के बाद बेटे क्या लगता है कहाँ जाएगा ये सर्कल? मेरे को बहुत उम्मीदें हैं कि ये वाला जो प्रीमियम हाउस है इसको बहुत ज़्यादा फायदा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा फायदा है इसको। अब इससे पहले हमारे ऊपर कोई नेड़ी ठोक दे, थोड़ा आजू बाजू देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या कह रहे हो? बस लाइक करते जाना तुम्हें, 117 से 121 कर दो फटाफट, बाकी हम गेम पे ध्यान देते हैं। सर्कल होने वाला है बंद, थोड़ा जल्दी बंद हो तो बढ़िया। देख एक बंदा इधर, एक बंदा इधर, दो तीन, तीन तो यही है,
एक मैं हूँ, नौ बंदे पता नहीं कहाँ हैं। अगर ये ड्रॉप दे दो तो मज़ा ही आ जाए, बट ये पता है ड्रॉप यहाँ मुश्किल लग रहा है। ये ड्रॉप ना आगे ही देगा, ये ऐसी जगह देगा जैसे यहाँ कहीं, क्योंकि वो बीचम बीच है ना जो लेने जाएगा रिस्क एंड रिवॉर्ड वाला सीन है, वर्थ इट नहीं है वाला ड्रॉप। ड्रॉप लेने तो मुश्किल ही है, लोग जाएंगे, ड्रॉप इज ऑलवेज बेटर अगर हो तो। वैसे ले सकते हैं हम ड्रॉप जाके, तो मेरे को रिस्क नहीं करना क्योंकि ड्रॉप के ना भी जीत सकते हैं। अब निकलना चाहिए अपने को, था ना इस हाउस का बहुत प्रीमियम फायदा होगा बाद में। अब इसके नेक्स्ट वाले सर्कल में पता चलेगा जो 40 सेकंड में आएगा कि क्या सीन है। डार्क साइडर की तो आवाज भी नहीं है, इसका मतलब ये कहीं एज पे मरा है, कहीं दूर मरा है यार। अब प्रॉब्लम पता है क्या, अब बंदे ना पैदल पैदल भी आएंगे विदाउट कार, और जस्ट बिकॉज आई मेड साउंड देयर विल बी समवन, यू नीड टू बी अवेयर। पहले मुझे मॉली से नेट से नहीं मारना है, बस इज्जत की मौत चाहिए अपने को। 12 अलाइव दोस्तों, क्या लगता है जाने भी दो यारो, ऐसी भी तो बातें हैं, आगे या पीछे कोई बंदा नहीं दिख रहा मुझे। ये वाले बाहर हुए नहीं, ये वाले सब अंदर हैं। इस घर पे तो इतने क्रैश होने वाले ना अभी, उस घर के लिए तो आँख बंद करके जाएंगे लोग, क्योंकि जब तक आप घर में हो तब तक आप सेफ फील करते हो। इस रिच पे भी ओले, एक और गया यार। लोग पेशेंस नहीं रखते पता है, ये जितने भी मर रहे हैं ना मैक्स एक किल का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप टॉप 3-4 नहीं आ पाए ना तो आप एड़ी चोटी का जोर लगा दो, बट आप टॉप 3 में नहीं आओगे सेकंड। अगर बेस्ट ऑफ 2 भी है तो बेस्ट ऑफ 1 में तो आप गए गए। बस यहाँ का टेंशन है, इधर से तो कोई नहीं आने वाला। 11 बंदे अलाए, धक धक हो रेली है दोस्तों, धक 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 धक। सर्कल बंद हो रहा है, बूस्ट भी अपने पे 3 है, वरना फुल बूस्ट कर लेता हूँ इस समय, क्योंकि अब थ्रेट लेवल बढ़ेगा। इस सर्कल के बाद हमें छोड़ के सब पे प्रेशर आएगा। थोड़ा बोरिंग है बट यही करना पड़ता है। चलो फेज 3 तो क्रॉस हो गए हम। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ से एक ग्रेनेड आएगा बूम। ओह बॉय, ओह बॉय, शैक में पहले बैठा हुआ।
बेटा अगर ज्यादा परेशान किया तेरे पास ही आ जाऊंगा मैं। अरे भैंस की आंख MK14 लेके बैठा लड़का भाई, जो पटपट दिए है इसने मुझे। गाड़ी तोड़ेगा एटमैक्स। इस साला है ये वही वाला गाड़ी होगा जो गाड़ी मेरे सामने से जा रही थी लेके बैठा है वो। स्मोक तो 5 है। मुझे हिल क्लियर करनी है जिससे मेरा टोकन ना दिखे, बाकी सॉर्टेड है भाई। पता है कहाँ कहाँ बंदे हैं? एक बंदा इसमें, एक इसमें, एक इधर तो डेफिनेटली होगा और इधर तो डेफिनेटली होगा। ये चार तो पक्के ही पक्के, बाकी मोम आया है। इस वाली शैक पे मैं कह नहीं सकता, इस वाला शैक का कह नहीं सकता। मुझे सबसे बड़ा थ्रेट ये बंदा है। चलो उसकी तो लड़ाई हो गई। अब ये ओ उसके पीछे भी बंदा। अरे अच्छा मार के नहीं रखा ना इसमें, इस वाले घर पे बस मार कर नहीं रख पाऊंगा। ये सामने जो घर दिख रहा है ना उसी भी बंदा है और उसके पीछे भी एक बंदा है। प्रॉब्लम ये है उनके पास सर्कल है तो इतना डोर मुझे बंद कर देना चाहिए, पर नीड वो बाउंस करवा दे। तो 1 2 3 4 5 6 छः बंदे तो ये रहे। ओ भाई साहब इधर भी बंदा है। 1 2 3 4 5 6 7 मतलब इधर तो है ही बंदा। ले बेटे आप देखो मौत, मौत का नाच होगा अभी। ये MK14 वाला भी बाहर हो गया, ये सारे भी बाहर हो गए, ये शैक वाला अभी भी अंदर है। ये सरवाइव करना थोड़ा सा टफ है अब। अभी क्या हो गया जा समझ रहे हैं। एक सेकंड के बाद सबके नीचे धुआं निकलेगा, गला सबका सूखेगा। 9 बंदे अलाइव हैं, देखो क्या होता है। लो एक तो नेट से गया, एक ये गया। MK14 वाला पूरा पूरा सोच रहा होगा नहीं MK14 स्लैम नहीं मार रहा। 6 बंदे रह गए। मुझे बहुत डर इसी का है। अरे यार अच्छी पोजीशन ली है इसने। हाँ बंदा है, ये प्रोन खेलेगा कि नहीं पता नहीं। प्रोन ही खेलेगा ये तो। एक ये है, एक शैक वाला और एक वो, तीन चौथा मैं। अगर ये बंदा ऐसा खेल रहा है भाई कितना रिंग रिंग के आएगा ये। लो MK फटने वाला, एक आध तो मारेगा ही फिर निकल पड़ा। ओ इसने गाड़ी ले ली, वाओ स्लो भी कर दी। ओ बेटे 1 2 3 ये इधर है 4 और इस पे 5 छठा मैं हूँ। ओ एक और इन्फॉर्मेशन, चलो ये भी मर गया। 5 ही बचे, 1 2 3 4 5। MK14 वाले का 1 किल हुआ ना। हाँ 2 ही थे उधर। सर्कल 13 सेकंड है।
वो दूसरी शेक वाले को तो साफ सुन रखा है एकदम। चलो भाई सर्कल तो है। अब कहाँ खेला जाए मैं सोच रहा हूँ। इसने गाड़ी तो तोड़ी होगी अपनी और इसने गाड़ी हटाई भी है। अब मैं अगर इधर जाता हूँ तो इसके फायर में आ जाऊँगा। मुझे यहाँ जाना पड़ेगा इस वाले पे धीरे धीरे। ये वाला बंदा मैं अरे यार साला मेरे को क्लोजेस्ट क्या है क्लोजेस्ट ये शैक है ना। बूस्ट तो पॉइंट ही नहीं है बूस्ट का तो 6 सेकंड है। इधर कोई दिख नहीं रहा। एट मैक्स मुझे यहाँ खेल सकता हूँ मैं। कॉलम मुझे गुलू गुलू ना करे बस। अरे बेस किया एक शैक पे एक ये तीन तीन की इंफॉर्मेशन है। शैक वाला थ्रेट है। शैक वाला तो हिलने नहीं वाला जब तक उसका बोल लो। एक और इन्फॉर्मेशन 1 2 3 4 5 में अरे यार इसको कैसे दिख गए मेरे पैर। अरे यार पांचवा नहीं आना। चलो सेकंड वाले में ट्राई करेंगे। साला हराम खोर कैसे देख लिया यार ये। इधर से दिखना भी नहीं चाहिए था। शैक वाला था नहीं शैक पे कोई नहीं था। शैक वाला निकल गया था। अबे यार लास्ट गोली भी लग गई। मैं हट गया था। एंटी यार एंटी। अब टाइम लगेगा दूसरे मैच में बट अगर सेकंड वाले में हम सेकंड थर्ड भी आ गए तो टॉप थ्री में आने के पूरे पूरे चांस हैं। अब पता नहीं क्या डिस्कनेक्ट हुआ है यार बुरा लग रहा है। ऐसे नहीं मरना था यार। एक बार फाइट लेके मर जाते साला। वो भी अच्छा खेला। चल कोई ना एंटी। माइक चेक आ रही है। चलो चैट ओपन करते। अच्छा चैट बंद हो गई। चैट बंद कैसे हो गई किधर गई चैट में। चैट इधर आ गई। एक सेकंड। एंटी आर एंटी वाह बेटे वाह। मैं कह रहा था ना ऐसी मौत होगी ना यार। मैं उठ भी गया पीछे भी हो गया फिर भी उसको मेरे पैर पूरे पूरे दिखते रहे। बट वही है हल्की हल्की चीज़ें यू लर्न एवरी डे। देखते हैं अभी क्या सीन है। टॉप थ्री के तो चांसेस हैं क्योंकि 5 के बहुत पॉइंट्स होंगे। हमें कम से कम 500-600 पॉइंट मिले हैं कैंप करने के। 500-600 पॉइंट बहुत होते नहीं 500 तो नहीं मिले होंगे 250 पॉइंट मिले होंगे विच इज़ स्टिल बेटर। अगर किसी के 3 किल होंगे तो भी हम ऊपर होंगे उससे जस्ट बिकॉज हम 5th में मरे हैं। अभी गैदरिंग गेम रिजल्ट्स आ रहे हैं तो आ जाएगा। अब ये जो विनू वाला बंदा ना ये तो 100% फर्स्ट पे होगा क्योंकि इसके 2 किल तो मिनिमम मैंने नोटिस किए थे। बाकी देखते हैं। आशीष इट्स नॉट दैट ईजी ब्रो। इट्स नॉट दैट ईजी ट्रस्ट मी। आई कैन प्ले अग्रेसिव बट देन आई डोंट वॉन्ट टू मिस द टूर्नामेंट। इट विल टेक मी सम टाइम टू प्ले नॉर्मली लाइक आई प्ले द नॉर्मल मैप इन द टूर्नामेंट। वंस यू विल स्टार्ट प्लेइंग द टूर्नामेंट यू विल अंडरस्टैंड दिस बट इट्स मच ईजियर टू से ऑल दैट इन द चैट ट्रस्ट मी। तो गिव इट सम टाइम। कैंपिंग के पॉइंट्स होते हैं 100%। जितना आप टॉप पे आओगे उतने आपके पॉइंट ज़्यादा होते हैं। इट डजेंट मैटर इवन इफ यू हैव 0 kills ऐसा। सो ये सीन है। और लास्ट में 2 kill आप निकाल लोगे ऐसा। लेट्स सी सेकंड मैप अच्छे से खेलो। सेकंड मैप मिरामार होगा उसमें थोड़ा एग्रेसिव खेलना पड़ेगा क्योंकि उसमें किल चाहिए। तो उसमें या तो हम इंस्टेंट मर जाएंगे उतरते ही
सेकेंड वाले मैप पे हम वैसा खेल सकते हैं जैसा हम नॉर्मल खेलते हैं, क्योंकि उसमें कोई बैगेज नहीं है, उसमें ये प्रेशर नहीं है कि भाई हमें सर्वाइवल ओवर किल्स चाहिए। सेकेंड वाले में अगर मर गए तो मर गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर हम जितने बंदे मार देंगे उतना फायदा है। तो लेट्स सी। निशांत वेलकम वेलकम। कैन वी प्ले एनी नॉर्मल टूर्नामेंट? या लाइक इफ यू आर आस्किंग कि कोई भी खेल सकता है इसको, हाँ कोई भी खेल सकता है, बट यू नीड टू हैव सर्टेन आवर्स इन द गेम, कुछ 500 आवर्स कुछ होते हैं शायद, तो आप ट्राई कर सकते हो। एक बार चेक करें खत्म हो गया क्या, लेट मी चेक। ऐसा डिसअपॉइंट मत हुआ करो आशीष, फिर मेरा मन नहीं करता ऐसा टूर्नामेंट वॉर्नामेंट खेलने का। मैं चाहता हूँ कि आप एक्सपीरियंस करो जो प्रेशर होता है टूर्नामेंट का। आई कैन गो हैम ऑन दीज गाइज एंड आई माइट डाई विद लाइक 3 kills, देन आई विल हैव लाइक हाउ मच 40 points 30 points। उस 30 points 3 kills का कोई फायदा नहीं है इस टूर्नामेंट में, बट इफ आई एम कमिंग लाइक टॉप 5 नो मैटर हाउ, देन आई विल गेट अ लॉट मोर पॉइंट्स एंड देर इज अ चांस वी माइट विन द टूर्नामेंट बाई प्लेइंग द सेकेंड मैप। तो सर डिसअपॉइंट मत हुआ कर, पहले मैं भी ऐसे डिसअपॉइंट हो जाता था, फिर मेरा मन ही नहीं करता था खेलने का, क्योंकि एज अ स्ट्रीमर ना वो रहता है कि अरे यार आई वॉन्ट टू प्ले द बेस्ट, आई वॉन्ट टू विन द एवरी गेम, वो टूर्नामेंट में नहीं चलता, बिकॉज टूर्नामेंट में हर बंदा आपके टक्कर का या आपसे बेटर होता है, एंड सिंस दे जस्ट प्ले द टूर्नामेंट इंस्टेड ऑफ प्लेइंग द नॉर्मल गेम्स, दे आर वे मोर कॉन्फिडेंट। तो मुझे वो कॉन्फिडेंस वैसा होने के लिए या लीथल होने के लिए आई हैव टू कीप प्लेइंग द सेम टूर्नामेंट अगेन एंड अगेन डे बाई डे ऐसा। कल वीकेंडी के साथ न्यू मैकेनिक्स भी दिखाएंगे, हाँ लेट्स सी। न्यू मैकेनिक्स आई थिंक वो वाला आने वाला था ना, जो ये जंप वाला कुछ डाल रहे थे या कुछ तो डाल रहे थे, ये कौन सा मैकेनिक था मेरे को याद नहीं आ रहा, मैकेनिक याद है तो बताइए उसे, जो दे टीज द मैकेनिक बिफोर। हाउ डू द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द टूर्नामेंट बेनिफिट्स बाय होस्टिंग दिस टूर्नामेंट्स? दे आर फंडेड बाय क्राफ्टन, दे आर फंडेड बाय अदर ब्रांड्स, सो यू में बहुत ब्रांड्स होते हैं वहाँ पे। ऐसा है जैसे मान लो इंडिया में वो नहीं होता कि क्रिकेट मैच हो रहा है एंड इट्स बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय एनी एक्स ब्रांड और ड्रिंक ब्रांड और एनीथिंग, ऐसा वहाँ पे टूर्नामेंट्स ई स्पोर्ट्स के लिए होता है। जो यहाँ पे क्रिकेट है ना बेसिकली वहाँ पे वैसा है, तो वहाँ पे कोई भी ब्रांड कैसे भी स्पॉन्सर कर देता है, सो दैट्स हाउ दे मेक मनी। आई वॉन अबाउट ओवर 100 euros और मे बी 150 euros फ्रॉम दिस सेम टूर्नामेंट्स, बट वो फॉर्म लाने के लिए ना थोड़ा टाइम लगता है टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक मेरे वॉलेट्स योर ट्रांजेक्शन्स, हाँ तो मतलब काफ़ी हमने ऐसा जीता है यार, देखो 60 euros वगैरह और भी नीचे काफ़ी जीता हुआ है हमने, तो ऐसा नहीं है कि वी डोंट प्ले द बेस्ट, इट जस्ट टेक्स टाइम टू इम्प्रूव। यार मुझे आशीष बुरा लग रहा था कि देखो बुरा ना लग गया हो, होपफुली यू अंडरस्टूड माई पॉइंट एंड थैंक्स अ लॉट। सो ऐसा आ गए पॉइंट्स। इन गेम पोजिशन मेरी 5 थी और अब हमें पॉइंट्स देखने हैं। अभी सेकेंड गेम ज्वाइन होगा शायद, ये शायद बेस्ट ऑफ 1 था, नहीं बेस्ट ऑफ 2 गेम्स है, बेस्ट ऑफ 2 है। अभी ये पॉइंट्स नहीं दिखा रहा, ये पॉइंट्स दिखाएगा पता है यहीं कहीं, मैं वो देखना चाह रहा हूँ कि कितने पॉइंट्स हैं सबके। वेटिंग फॉर 2 टीम्स के बाद पॉइंट्स आएंगे, देखते हैं कुछ चैट में कोई लिख रहा है क्या, कुछ नहीं, लॉबी में तो कुछ नहीं लिख रहा। ओ हम ये क्यों देख रहे हैं, हम सीधा ये देख लेते हैं ना pubg.sh, इससे हमें पहले पता लग जाएगा कि किसके कितने पॉइंट हो सकते हैं, इसमें आ जाता ना मैच खत्म होते ही, मैं भूल गया था। तो इसमें 2D रिप्ले भी दिखाएगा किसने कैसे रोटेशन मारी, कौन कहाँ पे कैसे था। इरेंगल ये रहा 5th, सबके इसमें एक एक या दो दो किल होते हैं एट मैच, इसके 7 kill है भैंस की, हाँ कितना कॉन्फिडेंट प्लेयर हो गए इस बंदे ने, 7 kill निकाले हैं और चिकन डिनर भी निकाला है, दैट्स अमेजिंग। जो सेकंड पे मरा उसके 0 kill थे, जो थर्ड पे मरा उसके 3 kill थे, चौथे पे जो मरा उसके 2 kill थे, 5वें पे 0। तो हम टॉप 5 टॉप 6 तो हैं, नहीं टॉप 5 तो 100% है, हम 100% टॉप 5 है। अब बस टॉप 5 से ऊपर जाने के लिए टॉप 3 में हमें 3 या 4 kill चाहिए और टॉप 3 चाहिए सेकंड मैप पे, या फर्स्ट आए तो और भी बढ़िया। तो देखते हैं मेरा मारा भी बन जाएगा, बस में पॉइंट्स नहीं आ रहे पता नहीं क्यों, शायद 1 मिनट बाद पॉइंट्स दिखाएगा ये। मैच 1 गो टू गेम, ओ पॉइंट्स आ रखे हैं मैं भूल गया था, कैसे देखते हैं हमारे 320 पॉइंट्स है जस्ट बाय सर्वाइविंग स्लैश कैंपिंग इन द गेम, सो हमारे 320 पॉइंट है और इनके 610 450 400 380 फिर हम 320, तो हम एक्चुअली 5th है हम गेम में, नहीं एक्चुअली हम 6th है क्योंकि इसके 330 पॉइंट है विद 0 kills।
फॉर सम रीजन. नहीं इसका एक किल होगा तभी ये मुझसे 10 पॉइंट आ गया है. तो कोई नहीं, अब हमें नेक्स्ट गेम में अच्छा खेलना है. अब हम फियरलेस खेलेंगे साला. अब अगर हम मर भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अब हम बिल्कुल धासु धासु खेलेंगे. 25 सेकंड के बाद गेम बनेगा. इसमें पता मज़ा हुआ, इसमें पहले 40 बंदे होते थे तब तो भाई जो मज़ा आता था ना उफ. तुम देख रहे हो मतलब टॉप 5 आने का कितना सही फायदा हुआ है. अब सोचो जिस बंदे ने 4 किल इसका 2-2 किल करे हैं वो भी मुझसे नीचे हैं क्योंकि वो जल्दी मर गए. सो वो भी एक चीज़ है. सोचो अगर हम 5th पे थे और हम अगर टॉप 3 में भी होते विद 1 और 2 किल्स तो हम कितना ऊपर हो जाते. तो ऐसा सर्वाइवल प्लस किल्स दोनों इंपॉर्टेंट है. यार उस MK14 वाले ने ना सही खेला भाई, डिस्ट्रॉय कर दिया हमें. इसने सब्सक्राइब भी कर रखा है, ये मिशनरीज वाले टूर्नामेंट भी खेलता है इसी वेबसाइट पे. इसमें बहुत सारे लैडर्स होते हैं. आ गया नेक्स्ट गेम, आ गया लॉबी बन रही है. मैं चाहता हूँ ये सब लोग खेलें. पता है जो लोग पबजी खेलते हैं ना इंडिया में वो सब खेल सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी VPN. विपुल कह रहे थे कि हाउ डज द ऑर्गेनाइजर मेक द मनी. यार उनका क्या होता है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं वेबसाइट पे, उससे दे मेक मनी. प्लस दिस वेबसाइट वॉज क्रिएटेड बाई पीपल हुवर इन टू ई स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इन डिफरेंट एरियाज. जैसे ये सिर्फ पबजी का नहीं है, ये दुनिया में हर एक गेम की टूर्नामेंट्स कराते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब लिटरली हर गेम का. ऐसा वॉरजोन का भी कुछ है क्या? वॉरजोन का अभी नहीं है बट वॉरजोन का था पहले जहाँ तक तो मुझे याद है कस्टम लॉबी में. तो ऐसा हर गेम का टूर्नामेंट होता है. वॉरजोन 2 का भी आ गया क्या? हाँ वॉरजोन 2 का तो आ गया. देखो वॉरजोन 2 के उन्होंने 1 के बंद कर दिए, 2 के आ गए. ड्यूटीफुल डेथ मैच है, स्क्वाड का टूर्नामेंट है, मिंटेड वॉरजोन करके कोई टूर्नामेंट है. 1v1 में नहीं है, 2v2 में है. 2v2 में है ड्यूटीफुल डेथ मैच करके एक टूर्नामेंट है 25 यूरोज का. ऐसा तो ऐसे बहुत सारे टूर्नामेंट्स कराते हैं ये लोग. जैसे PSL होता है जो पबजी का बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, वो इसी वेबसाइट से होस्ट होता है. PSL करके जो पबजी का बहुत बड़ा टूर्नामेंट है. ऐसी एक और टूर्नामेंट है पबजी नेक्स्ट करके, ये रहा नेक्स्ट प्रो, ये भी इसी वेबसाइट के थ्रू होस्ट होता है. तो इस पर सारे टूर्नामेंट्स होते हैं ऐसा. चलो लॉबी बन गई, ज्वाइन करते हैं. लॉबी आ गई 45. अब इसमें कम बंदे होंगे क्योंकि लोग जाते नहीं इस मैप पे जस्ट बिकॉज क्योंकि वो जल्दी मर गए होते हैं ना. तो टॉप 10 बंदे होंगे इसमें मेरे ख्याल से एट मैक्स. इनकरेक्ट पासवर्ड, व्हाट द हेफ. ओह मैं गलत ज्वाइन कर रहा था. 3 बंदे ज्वाइन हुए, चौथे हमें. ओह सुपरसोनिक भी है, सही है बेटे, सुपरसोनिक भी खेल रहा है जल्दी मरने के बाद. सुपरसोनिक अगर इसमें फर्स्ट भी आ जाए ना तो भी टॉप 3 का पता नहीं चांस है कि नहीं, देखना पड़ेगा. डिपेंड्स अपॉन सुपरसोनिक के कितने पॉइंट्स हैं. लेट्स सी अगर सुपरसोनिक जल्दी मरे थे तो सुपरसोनिक के अगर गेम पॉइंट्स हम चेक करें सो इट विल बी समवेयर अराउंड. कहाँ से चेक होगा? मैच 1 पे क्लिक करके गो टू गेम पे जाके, नहीं गो टू गेम 1 पे जाके सुपरसोनिक के 140 पॉइंट्स है क्योंकि वो 17 पोजीशन पे मरे थे. टोटल बंदे 22 थे बट आज बाई चांस वो जल्दी मर गए तो 140 पॉइंट्स थे. अब 140 पॉइंट्स के साथ अगर वो पहले आते हैं तो उनको कम से कम 400 पॉइंट तो मिलेंगे 400 या 450 भी मिल सकते हैं क्योंकि किल्स के कम पॉइंट होते हैं. तो ऐसा तो ही कैन स्टिल कम फर्स्ट, ही स्टिल हैव अ चांस टू विन द टूर्नामेंट. ऐसा बाकी देखते हैं. बट भाई उसने तो अपनी सीट बुक कर रखी है. ये जो ये बंदा है ना 610 वाला, इसने तो फर्स्ट के लिए बुक कर रखी है. बट अगर ये बंदा जल्दी मर गया, ये बाल XRP, ये अगर जल्दी मर गया तो इसका हार्ड एफ हो सकता है, वरना ये टूर्नामेंट जीता पड़ा है क्योंकि 610 पॉइंट है इसके 7 किल के साथ. 22 बंदों में 7 बंदे मारे इसने. तो ऐसा कोई ना, करेंगे बेटा हम भी इम्प्रूव करेंगे. अब तो सब है अपने पास इम्प्रूव करने के लिए. 140 पिंग ज़्यादा आता है ना, मतलब ठीक है अगर तुम दिमाग यूज़ कर रहे हो, कॉन्फिडेंस है तुम्हारे पास तो तुम 140 पिंग कुछ नहीं है ब्रो, कुछ नहीं है. मैं सच बता रहा हूँ, हमारी फंडामेंटल मिस्टेक होती है तब जाके हम मरते हैं इस गेम में, वरना पिंग से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. ऑब्वियसली अगर कम हो तो बढ़िया है बट नहीं है तो भी कोई डिसएडवांटेज नहीं होती. ऐसा चलो मैच तो शुरू हो गया है. इतने हम ये देखते हैं सबने कैसे रोटेशन करी. इस बाल वाले भैया की देखते हैं पहले. तो बाल वाले भैया किधर उतरे थे?
ये तो दिख नहीं रहा बाल वाला बंदा, ये रहा, ये बंदा उतरा सीधा फार्म, फार्म पे पहले इसने एक बंदा मारा, फिर उसके बाद घर गया, घर से इसने फॉरेस्ट, घर से वापस घर चला गया, वाह, फिर घर से भाई बंदा कंफ्यूज था। अरे इसके चार किल कहाँ से हो गए, इसका दूसरा किल कहाँ हुआ है? एनजी, अच्छा दूसरा किल इसलिए हुआ क्योंकि ड्रॉप लेने गया, जब ये ड्रॉप लेने गया तो वहां से जो गाड़ी हमारे पास से जा रही थी ना वो ही ड्रॉप लेने जा रही थी, तो उस बंदे को इसने मार दिया, तो दूसरी किल वहां हुई इसकी। तीसरी किल देखते हैं कहाँ हुई है, तीसरी किल इसने कौन रहा है वो, अच्छा तीसरी किल उसको मारा जिसको मैं देख रहा था, याद है शिट मतलब बंदा तो नहीं पता था बट यहाँ पे एक बंदा पीक कर रहा था एज पे, उसको इसने मारा, तीसरी किल वहां हुई इसकी। चौथी किल कहाँ हुई, चौथी किल इसने उसको मारा जो ऊपर था इसके, जो हमें पता था एक ऊपर है। चार किल के बाद तो फिर कॉन्फिडेंस हवा में होता है बिल्कुल। पांचवा मुझे मारा, छठा एक और को, सातवा एक और को। सही खेल गया लड़का, मस्त खेला लड़का, ओपी ओपी, मजा आया। अब देखते हैं, स्टार्ट हो गया मैच, 12 बंदे हैं, 12 में से जो ज्यादा बंदे मारेगा और फर्स्ट आएगा, देखो फर्स्ट आने की कीमत है इसमें, फर्स्ट एटमैक सेकंड, अगर तुम टॉप फाइव में हो तो फर्स्ट और सेकंड, थर्ड आने का तो वेस्ट है, और थर्ड से पहले मर गए मतलब थर्ड के, थर्ड या थर्ड से नीचे मरे तो फिर तुम छोड़ दो, उम्मीद छोड़ दो जीतने की, बट अगर तुम फर्स्ट सेकंड में हो विद किल्स तो तुम्हारा मौका है दोस्तों, ऐसा। बाकी देखते हैं ब्रो, जो 10:30 को होगा उस पे आप खेलोगे? हाँ खेलेंगे भाई, क्यों नहीं खेलेंगे यार। अब पता नहीं तुम्हें टूर्नामेंट देखने में मजा आ रहा है या नहीं वो तुम बताओ। अब आया है मिरामार फ्रेंड्स, मिरामार में 12 बंदे, अरे बाप रे क्या किक मारी है भाई, नॉर्मल से ज्यादा मजा आ रहा है। ओहो दीपक इज लाइक नहीं आ रहा नॉर्मल से ज्यादा मजा। अच्छा ये बताओ इसमें मजा किस में आता है, देखो बंदे तो हमने मारे नहीं टूर्नामेंट में बट तुम्हें मजा किस चीज में आया मुझे वो बताओ, सो वी कैन रेप्लिकेट दैट इन द नॉर्मल गेम एज वेल, चैट में बताना। नेक्स्ट रीमेक मैप कौन सा होगा, पहले यार वीकेंड ही तो आ जाए, कोई ना कोई तो होगा ही, इरेंगल हो गया, मिरामार हो गया, वीकेंड ही हो गया, अब तो लिविक आएगा ना इसके बाद, जो लिविक आने वाला था जो लीक्स आए थे शायद वो होगा, मे बी शायद डिले कर रहा हूँ क्या पता। नेक्स्ट तो निरंजन 5 होना चाहिए भाई, कोई मैप मत डालो सब मैप बढ़िया है, स्टेबल FPS का TRPs बोलो, TRPs मतलब TRPs आ रहा है ब्रो, अरे अरे ओके ओके, कोई और साइट जहाँ नॉर्मल रूम खेल सकते हैं सीरियस? यार नॉर्मल रूम नहीं है, डिस्कॉर्ड सर्वर है वहाँ पे भी, पर स्क्वाड खेल सकते हैं, सोलो नहीं खेल सकते। सोलो सीरियस तो वही है, यू लगाओ और सोलो खेलो, उसमें आपकी ऑटोमेटिक, पता नहीं कौन पूछ रहा था, हाँ क्रिप्टिक पूछ रहा, क्रिप्टिक तो बेसिकली देख सीन ऐसा है कि अगर आप खेल रहे हो यू पे तो वो सब सीरियस ही खेलते हैं यू पे नॉर्मल में, बट अगर आपको टूर्नामेंट खेलने हैं तो आप जिस वेबसाइट पे मैं खेल रहा हूँ उसी पे आप खेल सकते हो सोलो टूर्नामेंट्स एवरीडे ऐसा। आई थिंक सेनोक रीमेक कमिंग, हु केयर्स, हमें तो अनरियल इंजन 5 चाहिए। कितने मैप रीपेक करोगे यार, काफ़ी हो गए अब तो, अब बचे 1, 2, 3, 4, 5, अब बंदा जो उतरेगा उसके साथ उतरेंगे हम। उतर जा, इस बंदे के साथ उतरना है, जहां ये जाएगा वहीं हम जाएंगे। चलो हसीडा जा रहा है क्या, अब होगा हार्ड एफ, जल्दी मरेंगे खत्म। लो भाई
एक्सयू वाला तो फिर चालू हो गया एक किल के साथ। वाला बननी है वो बालकनी में है लड़का। ब्रदर What are you doing? अरे यार साला शॉटगन लेके बैठा है। हद है यार, सारी दुनिया में इसको शॉटगन ही मिली थी भैंस की। यहाँ ये जो वो होता है ना यार, मन बुरा होता है ना, इसलिए मैं टूर्नामेंट यार ये खेलता नहीं। इसको बनना चाहिए था यार, ये शॉटगन साला इतना ओवर पावर्ड है। इसलिए मैं नहीं खेलता, वैसे इसको मैं ऑफलाइन खेलना पसंद करता हूँ कि चलो कोई नहीं, द क्यूरियोसिटी मेक्स द डिफरेंस। आई नो बस दिस बैड पार्ट इज सो हार्ड टू गेट ओवर। कितना आराम से मार दिया यार उसने शॉटगन से, एम भी नहीं करना पड़ा उसको। एनटीआर फील्स बैड। हम नॉर्मल खेलेंगे। यूएफआई डेवलपमेंट तो एक साल लगेगा, अनाउंस भी नहीं हुआ है, जस्ट हायर कर रहा है, उसको इन्फो मिला हमको। अच्छी बात है यार, जब भी आए आ जाए बस। पहले तो लगता भी नहीं था कि आएगा, तो जो बढ़िया हो यार। ऐसे नहीं बनना था साला, दोनों मैच इतनी गंदी मौत हुई है ना, एक तो वो उसने नीचे से मारा, ऊपर से शॉटगन लेके बैठा है। मेरे को ये था कि एटलीस्ट इसके पास कोई ना कोई गन होगी, शॉटगन तो नहीं होगी। एनटीआर सही खेल गया लड़का, नेक्स्ट टाइम। हाँ यार 30 या 40 पिंग होता है। हाँ इनका तो 30 40 पिंग ही होगा यार, इनका 30 से भी कम होता है द वे ही वाज स्पीकिंग, बट दैट्स नॉट द प्रॉब्लम यार। कोई ना, एनटीआर दैट्स हाउ विल इम्प्रूव। एक्सकैलिबर यार मैंने जो वीडियो बनाई है बस वही है यार, कोई ऐसा एक्स्ट्रा टिप्स नहीं है। जो मतलब मैंने वीडियो में डाला ना, वो वीडियो मैंने खुद के लिए बनाई है, कि अगर मान लो मैं कभी फॉर्मेट करता हूँ पीसी, तो आई रीवॉच माई वीडियो एंड जस्ट ट्रेस माई स्टेप्स कि क्या क्या सेटिंग्स मैंने पहले रखी थी, तो इसलिए।
यही सीन है, FPS का बहुत प्रॉब्लम है, तो ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा ब्रो। हर PC डिफरेंट होता है ना, यू जस्ट हैव टू ऑप्टिमाइज योर PC। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, लाइक व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम, और वो पता लगता है टास्क मैनेजर से कि आपका CPU GPU कहाँ यूज हो रहा है। तो ऐसा शॉटगन से PUBG को प्यार है? हाँ यार वही तो, प्यार है PUBG को शॉटगन से, प्यार। मैंने भी गलती करी यार, वहाँ शॉटगन पड़ी थी पता है, वो जो ओला एरिया नहीं था पूल टेबल वाला, उसके पास ये डुअल बैरल पड़ी थी, मेरे को उठा, अगली बार उठा लेंगे यार, कोई 19 अच्छा खेला वो भी। आपने गलत वीडियो देखी है एक्सकैलिबर, आपने गलत वीडियो देखी है, उसका मतलब वो सिक्योरिटी वाली फाइल अप करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो चीज़ इम्प्रूव कर दी है PUBG ने, वो पहले ये काम करती थी। उसके बाद एक मैंने नेक्स्ट वीडियो अपलोड करी थी जो, यार पता है यूट्यूब ने ना ये बना रखा है, जैसे आप पेज पे जाओगे ना, जैसा ये चैनल पेज है, इसके नीचे जाओगे ट्यूटोरियल्स है, ट्यूटोरियल्स के बाद यहाँ पे लिखा होता है इतने व्यूज़, यहाँ पे 2 ईयर्स अगो आपने ये वीडियो देखी है, अगर आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हो तो। उसके बाद ये वीडियो है द बेस्ट प्रो सेटिंग्स इन PUBG PC जो 10 महीने पहले बनाई है, अगर आपने ये वीडियो देखी है और ये सेटिंग्स करी हैं तो आपकी FPS स्टेबल और इम्प्रूव हुई होगी, बट आपने आई थिंक पुराने वाली वीडियो देखी है। ईविल मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है यार उसके बारे में, आई जस्ट मैंने आपको अभी दिखाया। नॉर्मल गेम से तो ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे, कोई ना खेलेंगे टूर्नामेंट खेलेंगे, वो क्यूरियस वैसा वाला सीन होता है ना टूर्नामेंट का, कि इंटेंसिटी हाई होती है एक्साइटमेंट भी हाई होती है, वैसा वाला सीन है। जो आपको मज़ा इस हॉट ड्रॉप में आएगा वो मज़ा आपको उस टूर्नामेंट में हर सेकेंड आता है। ओ तेरा भला हो, पूरी दुनिया आई है इधर तो। बीस बंदे तो कम से कम होंगे यहाँ, 20 बंदे कम से कम। मरा तो कोई नहीं है, क्लोज ही बंदा है दूसरे वाले 3 स्टोरी में। सोच रहा है I'm flashed, हेलमेट ना बच गया।
रातों पे घूम रहा है या शायद ईरानी मार्केट में है। हाँ ईरानी मार्केट में यार, हेलमेट नहीं है ना, चक्कर ही है। उसको भी लूट लिया उसने। तो नीचे आ रहा था ना, इससे बस हेलमेट मिल गया। अच्छा इसके अंदर तो मैंने तोड़ दिया है। हाँ एक मेरे पीछे बंदा है इधर, एक इधर बंदा है और एक इधर बंदा है। वही छत पे भी नहीं जा सकता क्योंकि उसको पता है रानी मार्केट में बंदा है, वरना यहाँ आता विंडो पे। ये अभी भी छत पे है। लगी उसको हाले पीटी उसे के चचेरे भाई, तेरा भागने बंद नहीं हो रहा क्या साला? हेलमेट नहीं है, हम डरे डरे खेल रहे कि कहां मेरे मस्तिष्क में गोली घुस जाए, इसका भागना बंद नहीं हो रहा। यार मुझे लग ही रहा था कोई और बैठा होगा किसी कोने में, तब से वहीं बैठा है यार। सो शॉटगन की जगह यार यूज करनी चाहिए थी, इंस्टेंट मर जाता वो। शॉटगन वीक हो गई उस रेंज में, मेरे हाथ में हुई थी, मुझे लगा दो शॉट मारूंगा मर जाएगा, लो हो गया वो। ये बेचारा तब से ही उम्मीद में बैठा था कि कोई दिखे। रिकिल मिली होगी इसे तो पूरी। Easy peasy. हाँ 10K KDR मेरे को आपके लिए और सबके लिए बहुत रिस्पेक्ट है ब्रो, तो मुझे कुछ नहीं कहना। ऐसा मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को लगता है हर बंदा हैव अनटैप्ड पोटेंशियल, और वो जहाँ पे भी है जिस भी लेवल पे है उसको अपस्केल करके वो ऊपर जा सकता है।
तो किसी के कुछ कहने से मुझे कभी कोई फर्क पहले पड़ता था, बट जैसे से आप ज्यादा किताबें पढ़ते हो, जैसे से आप लोगों से मिलते हो, लोगों के साथ काम करते हो, कुछ भी करते हो लाइफ में, उससे आप आपको विजडम गेन होती चली जाती है। तो एक पॉइंट के बाद ना ऐसा लगने लगता है कि यार लाइफ आज है कल नहीं। तो बहुत सारी चीजें हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए ना ऐसे करते हैं कि यार प्लीज करने के लिए किसी को, या फिर अपने को बड़ा हो या ऊपर दिखाने के लिए। तो आप जैसे जैसे आप विजडम पाते जाते हो ना और उसको याद रखते हो, यू गेट बैक टू इट, ऐसा आपको लगने लगता है यार ये सब बेतु की चीजें हैं, जस्ट लिव योर लाइफ, एंड ये सब चीजों में कुछ नहीं रखा। किसी के बारे में बुरा बोल के कुछ फायदा नहीं है, किसी के बारे में अच्छा बोल के उसको प्लीज करने में कोई फायदा नहीं है, और कोई आपके बारे में कुछ भी राय रखता हो वो उसकी विजडम है, सो आई डोंट केयर। और आई थिंक ऐसा ही हम सब बन जाएंगे धीरे धीरे, द मोर विजडम वी विल गेट, एंड दैट्स हाउ वी लव ईच अदर इंस्टेड ऑफ ऐसा। हाउ टू पार्टिसिपेट, वेरी इजी ब्रो, जस्ट ओपन चैलेंजर मोड डॉट कॉम एंड देन साइन अप विद एनी ऑफ द अकाउंट्स यू हैव, चाहे वो एक फेसबुक हो गया, चाहे वो आपका चैलेंजर मोड पे आपको एक अकाउंट बनाना हो वो भी आप बना सकते हो, नहीं तो अगर आपके पास फेसबुक है या आपके पास डिस्कॉर्ड है तो उसके थ्रू भी आप एक्सेस ले सकते हो और आपको अकाउंट बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद आपको वो पूछेगा क्या आपका पबजी का नाम क्या है, जो पबजी के अंदर आपने निकनेम चूज़ किया, जैसे मेरा रचित पंवार है, तो वो आपका निकनेम पूछेगा, वो आपको डालना होगा। एंड उसके बाद वो आपको बोलेगा कि अब आप वेरीफाई करो कि ये अकाउंट आपका ही है। वो कैसे करोगे, आपको वो एक लॉबी देगा, उस लॉबी में आपको ज्वाइन होना होगा, उसमें एक बंदा होगा ज्वाइन करने वाला जो आप होगे। जैसे आप वो ज्वाइन करोगे फिर एक बटन आएगा वेरीफाई, आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे, आप जो एआई है वो चेक करेगा, जो स्क्रिप्ट है वो चेक करेगी कि आप उस लॉबी में ज्वाइन हुए हो या नहीं हुए हो, उसमें आईडी पासवर्ड होगा जो आपको दे देंगे। तो जैसे आप उस कस्टम रूम में बैठे होगे आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, दैट्स द होल प्रोसेस। अरे वो लाइट पड़ रही है ब्रो, ऐसा अजिंक्य, राहुल याद है ब्रो, याद है। लेट्स गो पूछेंगे, एक्चुअली पूछेंगे को छोड़ के कहीं और चलते हैं इस बार, देखते हैं कहाँ जाएं। लेट्स ट्राई टू गो गटका और समथिंग। मैं किस वजह से मारा था, अच्छा मुझे किसी एफ के उसने मारा था ना, क्योंकि मैं ओवर पिक कर गया था कोई ना। मस्त मजा आया। सुजीत वेलकम वेलकम। और पता है 10K ADR, आपको भी धीरे धीरे विजडम आएगी, जब आप कोई आप जैसे वो होता है ना किसी ने किसी के बारे में कुछ कहा, तो उसमें जो कह रहा होता है वो गलत नहीं होता, और जो मतलब सुन रहा होता है वो भी गलत नहीं होता, बट सबसे ज्यादा बेवकूफ लोग वो होते हैं जो एक की बात दूसरे को बोलते हैं। दोज आर द वर्स्ट काइंड ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो वो मत बनो, लाइक दैट्स द वर्स्ट पार्ट यू कैन डू, वो मत करो, मैं तो ये बोलूँगा। ओ यही बंदा है। अरे विक्स, मैं बस कह रहा था उसको, मैं सोच वो पूरे ब्रह्मांड में सबको छोड़ के वो ये बताने आए हैं, मतलब चैनल खोल के लाइक हाउ स्टूपिड ही इज लुकिंग। कहाँ गया ये, कर दी क्या उन्होंने हेलमेट वेस्ट की? अब वो चला भी गया होगा मोस्ट लाइकली। तो
दिख नहीं रहा। मतलब पीक करा था, मतलब पुश करा था, फिर पीक ही नहीं करा। चलो थ्री स्टोरी वाले को देखते हैं, खुल जाए सुबह से। ओ एक बंदा वहाँ विंडो पे मरा है भाई, सर्च करना पड़ेगा बंदा किधर है। एकेम चली, ओके एकेम वाले को देखते हैं। यार बंदा दिख नहीं रहा है, एकेम वाले भी पता नहीं किधर है। कोई तो मुंडी दिखा दो। चलो थैंक गॉड कोई तो आ जाए। ओ इसने मार भी दिया कुंदा, नाइस। क्राउड जंप करना तो मैं भारी फेंक गया एकदम, विंडो पार हो गया। अरे यार विंडो से ही दिख जाता पता है। आज आप डोज खेलते हैं यार उसका नाम क्या था? अच्छा एग्जिट लैग। चेंज करते हैं सर। देखते का चेंज रहता हूँ। कैसा है क्रॉसबोन? वेलकम वेलकम। देखते हैं यार एक दो गेम और खेलते हैं, मजा आया तो ठीक वरना फिर थोड़ा वॉरजोन ट्राई करेंगे। कितना टाइम रहेगा अपने पास? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है यार कैसा मतलब बेवकूफ लोग होते हैं, जैसे 10K ADR, मतलब आई फील पिटी फॉर हिम। अच्छा लग गया शायद नहीं। ओ भाई मैच मिल रहा, नाइस मजा आएगा। लेट्स सी। अंकु ब्रो वेलकम वेलकम। द डेथ कांट स्टॉप यू, ऑल यू नीड इज काम डाउन। अरे मुझे मैच इतना अफेक्ट नहीं करता, बट मुझे वो बहुत बुरा लगता है कि अभी भी मतलब 2022 चल रहा है और ऐसे मतलब टीवी देख रहे हैं। Hello? Oh, sorry. All good, all good. Are you watching TV? Kind of, yeah. Oh, okay.
YouTube. Ah, YouTube. YouTube guy. I don't pay for TV. Can't do it. अच्छा यूएस में भी यही सीन है. सही है. Where you wanna go? I don't give a goddamn. I don't matter. Excuse me. Okay. Go Corey. वो कहाँ है? अच्छा. Let's go Gatka. Let's go Gatka. It'll be fun. If a lot of people come, we'll switch to this place, okay? Just in case. If you're landing late or something. Let's jump now. ये तो टीवी देख रहा है. वही वही वही. Yes, bro. It's on 100%. Thara na, brother. Because otherwise, if I don't keep the vibrance high, it looks very, like, classic, I would say, or maybe classic. Plus, I have an Elgato, so that also improves the colors of the game. Since I'm using a capture card, it's something called HDR or something. So, I think we're the lowest. Hit this house. Or I mean, this house, yeah. Oh, we got the weakest house, so. I got a nade, I'm about to throw it in this guy's house. Is he in the small one? Yeah. I think so. और भैंस में तो बंदा ही था. Where's that? Yellow, 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 yellow. Left, left of that window. Left. Yeah, 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 I see him. I see him. Hey, it's me. Recall आ गया टॉम. There's no way out of this motherfucker this way. Come, let's push him, bro. What? I think we should push his house. I'm ready. One team dead. You got a flashbang or something? No, no, careful, wait. Push this guy upstairs. Wait, wait, he ran away, he ran away, he ran away. I think they'll hear someone upstairs. They're here. No, they are not. They jumped, trust me. What? Bro is dead. Let's push him. Come with me, stay with me. Come, I'm with. Oh, he's outside. Go up. Yeah. The Tommy is so shit, dude. Take this. He's scared. Get out. He won't push, he's scared. He's far away. His guy's watching, okay? Ow.
You gotta jump off and get him, okay? You ready? This is bullshit! Bro, he was 3 HP. I hit him twice, once or twice. मैंने गलती करी उस एंगल से नहीं जाना था जंप ऑफ करके मारना था ज्यादा चांस होता और लेटर खा गई गोलियां जंप ऑफ ही करना चाहिए था हमने हील भी थी यार मैं फर्स्ट एड मार लेता अगर मुझे गोली लगी भी थी तो प्रेशर इसके ऊपर था थोड़ा काम खेलना चाहिए था मुझे थोड़ी जल्दबाजी कर दी मैंने एफ 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 मजा आ रहा था एंटी हो गया यार एंटी ये तो फुल टून लग रहा है हो भी सकता है ईशांश कैसा है ब्रो वेलकम वेलकम अरे ऐसा मत बोलो एम्परर छोड़ दो उसको इस बंदे को क्या प्लान है अरे ये तो 67 में शुरू हो गया ये क्या बकवास है अच्छा अभी डेड है क्या लॉबी यूएनए की शायद एंटी एंटी हाँ अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा एक स्क्वाड लगाएं थोड़ा स्क्वाड में भी तो मज़ा आए एक रैंडम स्क्वाड तो बनता है इट विल बी फन एनए स्क्वाड्स आर ऑलवेज फन देखते हैं स्क्वाड तो जल्दी मिल जाना चाहिए ओ टीपी भी मिल रहा होगा रुको देखूंगा टीपी भी मिल तो जाना चाहिए टीवी मिल तो रहा है बट स्लो है आई वुड रैदर प्ले अ स्क्वाड गेम स्क्वाड 50 सेकंड से कम होना चाहिए अब तो इंस्टेंट होना चाहिए हाँ इंस्टेंट है इंस्टेंट बढ़िया आई लिटरली थॉट यू वुड जंप एक्चुअली मैं आई एम ब्रेन डेड राइट नाउ नॉट फीलिंग द गेम टूर्नामेंट के बाद से थोड़ा सा एफ हो गया कोई ना ईजी किल था यार वो बट आई डेंट टेक द वाइज डिसीजन अब शायद मेरे को ब्रेक ले लेना चाहिए कल खेलेंगे हम बट एक रैंडम स्क्वाड करके देखते हैं मूड वापस आया तो My friend, do you have mic? Hello? Well, level to 500 inke. Map acha hai वैसे. अलग पर जा रहे हैं जाके देखते हैं स्क्वाड में तो ईजी होता है अलग पर नीचे है ना नहीं हदीका नहीं जा रहे हैं अल हवर जा रहे हैं हदीका जाना चाहिए था उसे देखते हैं कहाँ जाएंगे हाँ मैंने पलटवा दिया इनको मेरे को इतना क्लोज चलो ज़्यादा बंदे आएंगे हाँ उधर अलवर में कोई आता नहीं एक घंटा लूटते हैं इधर कम से कम दो स्क्वाड तो आएंगी एक दो दो से ज़्यादा ही हैं सब मेन बिल्डिंग जा रहे हैं मैं तो इधर चला ऑरेंज अरे कोई और भूल गया उधर जला अपने में से नहीं ब्रदर देयर एवरीवेयर अरे भाई अपना बंदा मार रहा है मैं इसको बैकअप देना पड़ेगा रुको
शिट अब निकला इसका, ओह शिट तब नहीं निकला। आ जा तू भी स्क्वाड के रिवाइव ले। साला है कहाँ जिसने नॉक किया? ओ अभी भी घर में है। पुश कर रहे क्या? आ जा मैं भी पुश करता हूँ। कम ब्रो, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, कम कम कम। येलो येलो येलो, रूफ रूफ रूफ। साला हेलमेट ही नहीं हुआ है पूरी दुनिया में। ब्लू ब्लू लेट्स गो। दो इंस्टा मिले तो तीन तो टीमें थी टोटल। दैट वाज इंस्टा बाय द वे। हेलमेट मिलेगा क्या? नहीं हेलमेट ही नहीं है, सबके टूट गए क्या? और तो कोई नहीं होना चाहिए क्योंकि एक इंस्टा ये दूसरा ये। फाइनली हेलमेट मिल गया, एमओ भी है। मजा तो आया वैसे। ओ केनन मिल गई। फ्रेश वेस्ट गाइस रेडी। फिर तो हेलमेट होता तो अच्छा लगता बट है नहीं। हार्डली तो इसमें मेरे को SLR ही रखनी चाहिए थी। ओ ये तो चाइना वाला बंदा नहीं आईडीली है। भाई खतरनाक लूट चल रही है, खतरनाक भयानक तरीके से लूट रही है मेरी टीम इंक्लूडिंग मी। बट फिर भी लेवल 2 हेलमेट का आता पता नहीं है। ये वाले इसमें हो सकती है अगर हुई तो, मुझे नहीं लगता ये निकलेंगे। मैं तो इस घर के बाद निकल रहा हूँ, चाहे निकले चाहे ना निकले। एनी न्यू वेस्ट? न्यू वेस्ट लेवल 2? आई कैन मार्क फॉर यू, इट्स इन दिस हाउस ऑरेंज। दिस 2 लेवल 2 वेस्ट हियर बाय द ग्राउंड। Not this house, my bad. This one.
कहाँ गई? यहीं तो दिख रही हूँ तो। There's a camper there. Holy shit, bro. Yeah, he was laying down in the corner. He's been camping for ages. He's still camping right now. Bro, I feel so sorry for you. I wish I was with you. No man. Dust liya bhai, isse to dust liya. Isse to dust liya. Isse to dust liya. Bro, wait for me, I'm coming. CBK. वरना तेरे साथ भी वही ना हो जाए, फिर मैं अकेला 1v4 नहीं करेगा। चला लेवल 2 हेलमेट ही नहीं मिला पूरी इसमें। I don't get notified, sad life bro. YouTube का नोटिफिकेशन कैसे काम करता है मुझे आज तक नहीं समझ में आया। इट सिंपली सेज कि आपके 17,000 सब्सक्राइबर हैं, हम सिर्फ 3,000 को नोटिफिकेशन भेजेंगे। गया राइट, गया राइट। Knocked bro. दो जगह से घेर रखा था हमें। हाय यार फन था, बस मजा आया, बस ऑल गुड ऑल गुड। चलो आज के लिए बस करें, आज मैं मन भी नहीं कर रहा हूँ, खेलने का लग गए। हाँ यार दो तरफ से पकड़ रखा था इंडिपेंडेंट। यार देखो अब नोटिफिकेशन आ गए, कुछ फ्यू तरीके बचे हैं। एक है व्हाट्सएप, दूसरा है डिस्कॉर्ड, तीसरा है आई विल बी स्ट्रीमिंग एट द सेम टाइम, लाइक रात को 8 बजे आई विल बी स्ट्रीमिंग नो मैटर व्हाट। ठीक है, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि 8 बजे से पहले पहले आई विल गो लाइव, सो दैट यू नो दैट आई एम लाइव। ऐसा अब इसके बाद आप ये कर सकते हो कि जस्ट अनसब्सक्राइब, उसके बाद दोबारा सब्सक्राइब करो एंड नोटिफिकेशन बेल ऑल पे कर दो ऐसा। क्योंकि यूट्यूब के 3 लेवल होते हैं। एक होता है कि अगर आप कुछ टाइम तक पर्टिकुलर वीडियो नहीं देख रहे हो तो आपको नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा। दूसरा, अगर आप देखते हो फ्रीक्वेंटली बट अगर आपने अपना नोटिफिकेशन बेल ऑल पे नहीं रखा है तो वो कुछ कुछ नोटिफिकेशन भेजेगा, कुछ नहीं भेजेगा। तीसरा, अगर ऑल पे है तो ज़रूरी नहीं है ऑल पे रखने के बाद भी वो डेली भेजेगा ही। तो ये सब सीन है ऐसा। भाई एग्जिट लाइक सर्वर में यूएस सर्वर का कितना पिंग आता है यार? 240 अराउंड, 240। और एआर टेक्निकल टेक केयर ब्रो, स्लीप वेल। 7:45 PM मारो मुझे मारो। क्यों अरुण क्या हुआ ब्रो? राज हैज़ मेड सम चेंजेस, आई जस्ट ऑब्जर्व इट नाउ। अरे अरे अरे
यू मिस माई चैट येस्टरडे फॉर 7 times. उसके बाद 8वीं बार मैंने आपको रिप्लाई दिया था कि यार अगर मैं गेम खेल रहा होता तो मैं मिस कर सकता हूँ, आई एम ऑल्सो ह्यूमन. और अगर आपको लग रहा है कि मैं चैट मिस कर रहा हूँ तो एक साथ 3 बार लिख दिया करो. सो और आपको भी ये सीखना पड़ेगा कि कब मैं चैट देखता हूँ. मैं हर समय चैट देखना मेरे लिए इम्पॉसिबल है इस गेम को खेलते हुए ऐसा, बिकॉज अदरवाइज इट्स नॉट एंटरटेनिंग एनफ, यू विल कीप ऑन डाइंग विच इज़ नॉट एंटरटेनिंग टू वॉच ऐसा. ए आर टेक्निकल टेक केयर ब्रदर. अपन को तो ऑल में है बट फिर भी आपको नोटिफिकेशन नहीं जा रहा, बताओ मैं क्या करूँ. तुम्हारे में इतना अच्छे प्लेयर्स क्यों नहीं होते, तुम्हारी टीम में इतने अच्छे प्लेयर्स क्यों नहीं होते, आप इसका क्या कह सकते हैं. बट मज़ा आया K9 वगैरह शॉट मार के, अच्छा लगा यार. मज़ा तो सुबह आता है भाई, सुबह आते हैं मस्त रैंडम डोज एने वाले एकदम झकास झकास. अरे कैंसिल, अच्छा एने लगा हुआ क्या, कितना टाइम हो गया अपने को, 3 घंटे हो गए आई थिंक. अब बस करते हैं, 3 घंटे काफ़ी हो गए, आई थिंक इट्स मोर देन एनफ. और अब करेंगे हम कल स्ट्रीम, आ जाओ ट्विटर पे देखते हैं क्योंकि यार फिर मेरे को डिनर भी करना है. पबजी नीमार आउटफिट, लीस्ट इंटरेस्टेड इन नीमार स्टफ अभी तो. गेम प्ले, ये गेम प्ले ट्रेलर किसका है पता नहीं. मेक स्पेस फॉर द विनर पबजी अवार्ड्स 22. अरे अरे क्या सीट चेंज करके मारा गया स्प्रीजी ने. ओ शिट भाई चेस करके मारा. अरे अमेजिंग भाई, नाइस क्लिप मैन. मैं भी डालूं क्या अपनी क्लिप अवार्ड्स में, पबजी अवार्ड्स में? वो याद है वो वाली क्लिप जिसमें मैंने उड़ते हुए हेडशॉट मारा था भाई, वो बहुत गजब थी. होगी कहीं ना कहीं मेरी प्रोफाइल में, देखनी पड़ेगी. पता नहीं तुमने ये क्लिप देखी है कि नहीं देखी, देखता हूँ मैं. मैंने ट्वीट तो की थी कहीं पे, दैट शुड गो इन ये पबजी अवार्ड्स करके, देखता हूँ यहीं कहीं होनी चाहिए. ओ भाई साहब आईपीएस पैनल 240 Hz, ओसी 270 Hz, होली शिट 32 inch. ओ बॉय कौन सा रेजोल्यूशन है इसका आईपीएस पैनल का? अरे वो भी तो चेक करना है, कुछ ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है पबजी की. लेट मी चेक पबजी अवार्ड्स करके. ये रहा ब्लैक फ्राइडे सेल 25th-26th November. एएमडी मदरबोर्ड्स का तो हम क्या ही करेंगे, हमें तो इंटेल के देखेंगे. बाय एनी 4080 ग्राफिक कार्ड एंड गेट वर्थ 20,000 गिफ्ट वाउचर. ओह डैम ग्राफिक कार्ड्स भाई साहब 1.5 लाख का 4080, होली मोली बेबी, होली मोली. 4090 एक्सट्रीम 1.84, 3090 Ti कहाँ है इसमें, 3090 Ti है ये कौन सा कार्ड? ओ 3060 का सही प्राइस है 34,222. 1650 OC 4G 1650 OC, सही है सही है. 3060 है ना, सही. ओरस पावर सप्लाई यार ये सही प्राइस पे मिल रही है 8,000. ये आई थिंक 10,000 तक की थी शायद, 850 वाली 80+ gold. और हाँ यही वाला मॉडल है ना मेरा, ये अब 8,000 की है. ये 8,000 की ली थी मैंने तब जब मेरा पीसी बिल्ड हुआ था तब, अब तो खैर ये महंगी थी शायद. ओहो केस केस पे कुछ डिस्काउंट है क्या बेबी? 3 फैन आ गए. G27F मॉनिटर, इसके क्या स्पेक्स हैं? 1080p 1ms 144 Hz IPS पैनल, सही है यार. जिसको TN पैनल नहीं लेना वो सीधा IPS ही लो, वो भी 13,000-14,000 में, सही है सही है. वेयर टू बाय में क्या क्या ऑप्शन है? और इतना भला सीधा नंबर दे रखे हैं, वाह. दिल्ली में कौन है?
हाँ दिल्ली में K25 कंप्यूटर्स डेम बेबी सही है सही है। अबे इन नहीं है ये डॉट कॉम है ब्रो, गेमिंग पीसी बिल्ड डॉट कॉम है, इन थोड़ी है ये, और ये बिल्ड थोड़ी है, बिल्ट है टी टी गेमिंग पीसी बिल्ट है वो, बिल्ट डॉट कॉम भाई, इसमें इन्होंने गलत दे रखा है शायद, शायद ही गलत दे रखा है। नाइस प्राइस, प्राइस तो अच्छा है, कौन ले रहा है भाई? संडे का क्या प्लान है, कस्टम करेंगे ना उस दिन पबजी रिपोर्ट? हाँ पबजी रिपोर्ट रहेगा ना यार, पबजी में ना व्यूज नहीं आ रहे हैं, चक्कर ये है। मैं सोच रहा हूँ कोई नया गेम ट्राई करूँ, पबजी लोग कम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मतलब जो अपने लोग हैं ना जो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है दे लव पबजी, बट नए लोग नहीं मिल रहे हैं। देखिए यूट्यूब गेमिंग में क्या चल रहा है, अच्छा तो वो है वीडियो है यूट्यूब गेमिंग। गेमिंग क्या ट्रेंड हो रहा है देखते हैं, शॉर्ट्स ट्रेंडिंग वीडियोस। भाई ये माइनक्राफ्ट ही सीखना पड़ेगा यार, भाई सोचो 1.1 मिलियन व्यूज, और गेमर फ्लीट को तो आता भी नहीं था माइनक्राफ्ट, इन्होंने सीखा है धीरे धीरे करके। ओके आई डू प्ले इन बीजीएमआई, इट्स टाइम पैक मैप। ओह अच्छा, क्या मस्त मस्त है यार, सबका ट्रेंडिंग पे जा रहा है पता है, ये तो प्रणव है ना। अटैकिंग ऑन माफिया पर बॉय नी बिट्रेड यार, ये क्या, ये हर हीरो ब्राइन, ये क्या, ये कोई सर्वर है आई थिंक, ये भाई व्यहान से पूछना पड़ेगा भाई इसमें क्या क्या ट्रेंडिंग है, लेट मी सी। गेम ऑफ फ्लीट इज अ गुड लर्न, ओ भाई ही इज अमेजिंग ब्रो, ही स्टिल एडिट्स हिज ओन वीडियोज, इमेजिन दैट रीचिंग एट सर्टेन लाइक अभी इस लेवल पे, और उसके बाद उनका एक एडिटर है बट ही स्टिल एडिट्स, लाइक्स टू एडिट मोस्ट ऑफ हिज स्टफ, आई थिंक उन्होंने कहीं बताया था किसी इंटरव्यू में, सो दैट्स क्रेजी, और उससे फिर आपको पता लगता रहता ना क्या क्या गलतियां हो रही है, कहाँ कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। PMGC 22 Day 1 वॉच पार्टी, ओ PMGC कंज्यूमर ग्लोबल चैंपियनशिप, ओके 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 कॉपी कॉपी कॉपी। एस12 गेम इन रियल लाइफ सही है, बिग रैंडम यूट्यूबर वर्सेस मेन फ्री फायर, इसमें कोई वो नहीं है क्या, एपेक्स या वॉर जोन वाला नहीं है आई थिंक, वेट फॉर एंड बीजीएम सारा ये देखते हैं, ये बहुत ट्रेंड होती है। अरे वाह मेरी जान, तू तो कतई स्पाइडरमैन बन रहा है। हाँ? अरे स्लो मोशन के भतीजे थोड़ा जल्दी उतर ले, नहीं तो गलत गलत जगह पर इतनी गलत गोलियां मारेंगे तुम्हारी अर्धांगिनी भी पहचानने से मना कर देगी मेरी जान। अरे विक्टर नोबड़े मेरी शादी तो करवा दे पहले, अबे पकड़ो इसको, पकड़ो इसकी। तू ये खानदान पूरा का पूरा साथ में लेके आया है, तेरे खानदान के अंदर कोई गेंडे भालू की शक्ति है तो बता दे। Awesome. अरे और भी बचा है कोई टिकटॉक वाला, सबको लंच आन दो आन दो आन दो बेटा आन दो। अरे भैंस की टांग, पूरे ब्रह्मांड की जनसंख्या यहीं पे पैदा हो गई क्या? जय विक्टर ट्रक लेके लाइक करो फॉलो करो भाई। क्या था ये, वन नाइनटी के व्यूज, 50 ऑन ट्रेंडिंग फॉर गेमिंग, दोस्तों हम कुछ तो गलत कर रहे हैं, कुछ तो हम गलत कर रहे हैं दोस्तों इस जिंदगी में, कुछ तो हम गलत कर रहे हैं यार। ये पबजी मोबाइल कहाँ से खेलना होता है भाई, ये साला पबजी मोबाइल कहाँ से खेलते हैं मुझे बताओ जरा, एप्ट मोबाइल फॉर पबजी मोबाइल,
विच मोबाइल फॉर पबजी मोबाइल? भाई हर जगह माइनक्राफ्ट माइनक्राफ्ट ही है, या फिर ये क्या है, क्या हिप हॉप खुद को बचा पाएगा? ओ ये कुछ GTA वगैरह का कुछ है शायद। ये कौन सा गेम है भाई, ये तो कभी नहीं देखा मैंने। खत्म भाई, मेरे लिए तो ये एनिमी मिस्टर इंडिया बन चुका है, कहाँ से मार रहा है पता ही नहीं चल रहा है। मैं रिवाइव होकर यहीं पे आने की कोशिश करता हूँ, बट इधर ही मार देता है भाई, किधर से मारता है बंदा पता नहीं चल रहा है। अभी यहाँ पे कुसुम और अभिषेक भाई दो जोड़ी जिंदा। भाई क्या ही हो रहा है भाई, नॉट फीलिंग वेल विल डिलीट लेटर। ओके गाइस अब मन कर रहा है मेरा धवल मुझे लग रहा है फ्री फायर, फ्री द फायर और बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया में हाथ हमें डालना चाहिए, क्या आप बोलते हो दोस्त? 1v4 इजी और व्हाट, ये देखते हैं। ये अच्छा भगवान ये कैसा अत्याचार है हम पे भाई। हम माइनक्राफ्ट ही देखते हैं दोस्तों, माइनक्राफ्ट में एक ही घंटे की वीडियोस हैं। अल्टीमेट वेपन ऑफ डीमन सिटी इन फ्लीट SMP। भाई विहान को बोलना पड़ेगा भाई ये माइनक्राफ्ट सिखाओ भाई, कल से सिखाओ भाई, थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो इस जन्म में माइनक्राफ्ट भी करेंगे भाई, अब यही करना है ब्रो। भाई ट्रेंड ही माइनक्राफ्ट हो रहा है भाई। आई बॉट अ माइनक्राफ्ट रेडस्टोन बुक फ्रॉम अमेज़न। क्या स्ट्रीम करते हैं ये पहले ये भी देखते हैं, रॉकनी क्या क्या स्ट्रीम करते हैं अभी, स्ट्रीम करते हैं ये नहीं, देखो वही है यार स्ट्रीम में इतना रखा नहीं है जितना उसमें है ना वीडियोस में। आई थिंक और भी चैनल्स होंगे ना, रॉकनी शॉर्ट्स, रॉकनी व्लॉग्स, 3 week 4 week 1 month, और वीडियोस ऑलमोस्ट रेगुलर है। रेगुलर क्या है, इतना टाइम लगता ही अगर कुछ अच्छा कॉन्टेंट बनाए। ऑर्डर रियल आइसक्रीम फ्रॉम माइनक्राफ्ट, ओके स्ट्रीमो फॉरगॉट। यार इनका पता है CTR कितना हाई है, मतलब ये टॉपिक्स देख रहे हो इस पर मतलब हर बंदा क्लिक करना चाहेगा। आई मिस ऑल ओल्ड रॉकनी, उसके बाद आई ट्राइड द न्यू माइनक्राफ्ट 1.20 अपडेट। ओ ये कहाँ से आ गई, द स्ट्रीमो वाज कॉट हैकिंग लाइव। ये तो आई थिंक 4-5 सौ अच्छा इस पर आई थिंक बनाया होगा वीडियो, सही है यार। I played GTA 5 chaos mode. अच्छा कोई मॉड होगा। I made epic traps for money SMP rocking. भाई Minecraft बीच में GTRP भाई यही है, ऐसा नहीं बोलते यार अनुज। That's Indian trending page for you. हाँ but यार मतलब कुछ तो है ना जो इतने लोगों को अपील कर रहा है, तुम ये सोच रहे हो? मतलब देर शुड बी एन एक्सेप्टेंस कि यार इतने लोगों को ये कंटेंट अपील कर रहा है। और देखिए क्या क्या लाइव हो रहा है। अरे यार मैं तो एक तो इस पर क्लिक कर देता हूँ। और क्या है, डॉक्टर लूप को क्या स्ट्रीम कर रहे हैं, वॉरजोन प्लस DMZ जैक फ्लैग्स वॉरजोन ही होगा, वॉरजोन 2 इज वे टू डिफिकल्ट। रमन पाजी TLMC का क्या हुआ,
टीएलएमसी, अच्छा ये वो होगा, मिडफील्ड इज स्ट्रीमिंग प्लैनेट ज़ू, तेरा बोलो ये क्या चीज है भाई, क्रैचिंग ट्री साइकिल पिन्ना साक्स पिन्ना है तुम्हें अन्ना दे क्रैचिंग ट्री ता हैं जी क्रैचिंग ने तो उन तेरी आधा बेकिंग रूम बोला था तेरी मरी इधर रेडी वांगी वांगी रूम भाई ये बंदा गॉड है यार जस्ट लाइक श्रीमान लेजेंड अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी गेम्स और देखें गेमिंग में क्या क्या है फ्री फायर भाई ये फ्री फायर अभी भी है अच्छा इसका फ्री फायर मैक्स गया था ना फ्री फायर है अभी भी भाई इस गेम को तो यार मेरे को समझने में पता नहीं ये माइनक्राफ्ट फिर भी ठीक है पता है ये माइनक्राफ्ट भी वो है मतलब एक बार आप सीख गए ना तो बहुत एडिक्टिव है बट इसका ना सीखने का सीन्स है ये भाई कब से ट्रेंडिंग में है वीडियो चलो खत्म है सीन निकलते हैं अब मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया ट्रेंडिंग देख के तीन चीजें GTA मॉड्स या आरपी तो मुझे कहीं दिखा नहीं उसमें बट ये फ्री फायर और डोमिनेट कर रहा है बीजे में स्पीड लाइव है पता नहीं चेक करना पड़ेगा भाई लाइव चैलेंज एक बार रिसाइकल बिन ओपन करके दिखाओ रिसाइकल बिन में ऐसा क्या है डेस्कटॉप आइकन रिसाइकल 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 कुछ भी नहीं है ब्रो मेरा पीसी खाली है डाउनलोड्स में भी क्या है सब वही है काम की चीजें कुछ ऐसा खास नहीं है वीडियोस में वो पड़ा होगा और स्ट्रीम्स की वो पड़ी होंगी डी ड्राइव भी नहीं है भाई पीसी में तू ये सोच ले डी ड्राइव भी नहीं है भाई ब्रो चैलेंज मोड नहीं खेलोगे नहीं यार अब मैं जा रहा हूँ ब्रो अब ताकत नहीं बची दोस्त अब हम चलेंगे कितने बंदे हैं कोई 5-6 बंदे होंगे सुपरसोनिक ने भी नहीं खेला ना सुपरसोनिक भी चला गया सोने कम ही बंदे हैं चलो गाइस मैं भी निकलता हूँ यार भूख लग रही है बहुत जोर से सुपरसोनिक गेमिंग भाई तुम अरे भाई रेज नो इशू मे बी नॉट क्या पता GTA रोल प्ले वैलोरेंट गॉड द न्यू वन गॉड ऑफ वॉर ट्रेंडिंग नाउडेज GTA रोल प्ले वैलोरेंट गॉड द न्यू वन एंड कॉड तो कहीं ट्रेंड ही नहीं हो रही भाई कॉड कहीं ट्रेंड नहीं हो रही कॉड सिर्फ ट्रेंड हो रही है पर्पल पे यहाँ कहीं ट्रेंड नहीं हो रही भाई यहाँ लोग देख रहे हैं टू एन एक्सटेंट बट ट्रेंड तो बहुत दूर है ब्रो ट्रेंड तो मतलब है ही नहीं लेट मी चेक देख यूट्यूब गेमिंग किधर गया हूँ दे रहा हूँ इसमें सेवन पॉइंट फाइव के लेती सी इसमें मोस्टली बाहर के होंगे सिकपाजी इज प्लेइंग कॉड मॉडर्न वॉरफेयर 2 रेगुलर स्ट्रीमर्स नहीं है यार माइनक्राफ्ट ही है ब्रो माइनक्राफ्ट फ्री फायर पीछे में सीएसगो में क्या हो रहा है सीएसगो में टूर्नामेंट चल रहा होगा पक्का हाँ देखो टूर्नामेंट चल रहा है ब्लास्ट पे मेर करके कोई टूर्नामेंट हो रहा है ये सीन है मैं तो बहुत फॉर्चुनेट हूँ यार क्योंकि लोग पबजी देखने आ रहे हैं पबजी तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा इसमें शायद ये रहा 2.6K उसमें भी आधे तो ये वाले होते हैं 10K KD होगा आज बीजे में लाइव विद अक्षु सो इसमें एक बंदा वो और था जो रशियन था वो नहीं दिख रहा आज डी प्रोटॉन करके
पबजी रिपोर्ट में कुछ आया नहीं ब्रो, चेक किया था पबजी रिपोर्ट हमने। मैं डेली आ रहा हूँ कुछ दिन में, मिलना चाहूँगा तुमसे। अरे बट मैं भी तो अवेलेबल होना चाहिए ना, वो भी सीन है यार। एक बार टाइपिंग स्पीड दिखाओ अब की मॉन्की टाइप पर। जरूर। चलो गाइस निकलते हैं, कल मिलेंगे। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर ट्यूनिंग इन। अब मैं जा रहा हूँ फटाफट डिनर करने। वही यार रीच, वही देखते हैं, वही वही वही। हाँ यार सौरभ, इसलिए जल्दी जाना है, आज थोड़ा चैन से सोऊंगा। ठीक है चलो बाय बाय गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर ट्यूनिंग इन। कल शायद हम डोज करेंगे, मे बी थॉमस और क्विस्पी विल बी देयर, बट उसके लिए क्या टाइमिंग होंगे वो देखते हैं, कि सुबह खेलेंगे या शाम को, तो देखते हैं। ये शायद पबजी टीपी में करना पड़े, तो लेट्स सी, विल डू सम चेंजेस। ठीक है चलो बाय बाय गाइस, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं कल।